और एंड आज हम डिस्कस करेंगे न्यू कोर्स दैट इज कम्युनिकेशन. सो आर वी रेडी फॉर द न्यू कोर्स? हेलो जी. हाँ जी. सो कम्युनिकेशन के ऊपर हम नया कोर्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं. वेलकम टू एवरीवन. चलिए स्टार्ट करते हैं फिर. गुड. सो ये आपका छोटा सा सिलेबस है. हाँ जी. अटेंडिंग क्लास आफ्टर 3 डेज. गुड, नाइस. कम्युनिकेशन क्या होता है? इसका मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल नॉन वर्बल. हाँ जी. बैरियर्स, मास मीडिया एंड सोसाइटी, इन सब के बारे में हमें समझना है. सिर्फ इतना ही नहीं, ऑफ कोर्स जो पेपर से रिलेटेड है हाँ वो भी हम समझेंगे. सिलेबस में तो बहुत कम दिया होता है. सो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम इंफॉर्मेशन को पास करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं. एक पर्सन से दूसरे पर्सन के तक हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं. इट इज असेंशियली अ ब्रिज ऑफ मीनिंग बिटवीन पीपल. मतलब लोग बीच में, आपस में एक दूसरे के साथ हम एक जो थॉट शेयर कर रहे हैं उसका मीनिंग निकलना चाहिए. ठीक है. वेरी गुड, नाइस. कॉम्प्रिहेंशन फिनिश हो गया? बिल्कुल हो गया. यस. और पीडीएफ में और कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, हो गया है वो तो. सो फ्रेंड्स, जो अलग अलग टाइप के कॉम्प्रिहेंशन थे वो मैंने आपको समझा भी दिए थे कि किस किस टाइप के ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं, इसको ऐसा समझना होता है. सबका पहला क्लास भी है कम्युनिकेशन का भी, और किसी किसी का प्लस का भी फर्स्ट क्लास है. तो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन आप स्टार्टिंग से पढ़िए. ठीक है. और अगर आपको पिछला भी कवर करना है तो अनअकैडमी पे एक पेपर वन की क्लास होती है, एक पेपर टू की क्लास होती है. मैं कॉमर्स कराती हूँ. अब बाकी आपकी कोई सी भी होती है तो पेपर वन पेपर टू तो होता ही है ना. अगर आपका अनअकैडमी पे नहीं है इवन देन आप 2 आवर तो वो फिक्स करके रखिए. जैसे अज्यूम कीजिए कि जैसे आप प्लस में ही पढ़ रहे हो अगर आपका एडुकेटर होते तो. ठीक है, ये भी 2 आवर की हो गई. अब इन दोनों को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना होता है. ऐसे कम जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है उसको बार बार सुनिए, गो थ्रू कीजिए. ठीक है. और ऐसा बहुत नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती, लिखने की जरूरत नहीं होती. ठीक है. जो कम्युनिकेशन है ये भी ऐसा ही है, समझना है. आप वीडियो को बार बार देख लो तो ही पता चल जाएगा. मैडम मैंने शुरू ही क्या किया जो रिपीट करूं, बस आदत हो गई है कुछ रिपीट रिपीट लिखने की है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके अलावा एक पर्टिकुलर, हाँ, जबरदस्ती रिपीट रिपीट लगा रखी है. इसके अलावा एक पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है, यूनिट है, वो पेपर वन की एक दिन कीजिए. अब क्योंकि आप, हो सकता है चार एक साथ ना संभाल पाए, तो एटलीस्ट 3 यूनिट तो संभाल सकते ना. एक जो जैसे एग्जाम्पल के लिए कम्युनिकेशन चल रहा है, यहाँ पर अकाउंट्स चल रहा है, ठीक है, आपका कोई भी हो सकता है, और एक और एक्स्ट्रा. ऐसे जब ये कवर हो जाए ना एक यूनिट, फिर आप एक यूनिट पेपर टू की करिए. ऐसे करके आपका पेपर वन पेपर टू दोनों ही रहेगा. आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आ गया? यस. अच्छा ठीक है. अभी हम जरा पढ़ते हैं. कम्युनिकेशन मतलब अपने थॉट्स को बाकी दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों का उसका समझ भी आना चाहिए ऐसे. ये सब कुछ फ्रेंड्स थोड़ा पेशेंस रखे, है ना. 5 मिनट में पूरा नहीं समझा सकता, इसकी पूरी क्लास में, पूरे कोर्स में सब समझ में आएगा आपको. यस. अभी ओवरव्यू हो रहा है. क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में जैसे कि रिलेशनशिप के बेसिस पे फॉर्मल या इनफॉर्मल, देन मीडिया एंड एक्सप्रेशन के बेसिस पे. मीडिया मतलब जैसे हम लिख के भेज रहे हैं, बोल के भेज रहे हैं या इशारे कर रहे हैं ऐसे. जी गुड. एंड और डायरेक्शन, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल या डायगनल, ये इस तरीके से कम्युनिकेशन को क्लासिफाई किया जाता है. और वैसे कम्युनिकेशन देखो, इंटरपर्सनल का मतलब एक दूसरे के साथ, जैसे ए बी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है. ठीक है. इंट्रा मतलब ए अपने आप कम्युनिकेट कर रहा है. ग्रुप का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसमें आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं. और यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या होती है कि एक टॉपिक होता है जिसके लिए हम आते हैं, और एक कॉन्टेक्स्ट होता है, उसी को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट. तो और एक प्लेटफॉर्म होता है जिसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं, प्लेटफॉर्म. ठीक है, तब वो ग्रुप बनता है.
मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन तो हो गया, जस्ट एक दूसरे से बात करना, लेकिन वो इंटरपर्सनल ग्रुप कब बना? जब कोई मुद्दा है, जब बिकॉज सम रीजन वी कम टुगेदर, ठीक है, तब वो ग्रुप बनता है. देन मेटा कम्युनिकेशन, मेटा शब्द का मतलब होता है बियॉन्ड, एक्स्ट्रा. तो इसका मतलब जो मैं कह रही हूँ उससे एक्स्ट्रा कुछ मीनिंग निकलता है, उसको बोलते हैं. ठीक है, कल आपने लिया है, गुड. अपवर्ड डाउनवर्ड तो बाकी करेंगे, बाकी सिंपल है, कर लेंगे एक एक करके, सब कुछ ही करेंगे. अभी तो अगर हम एजुकेशन में देखें तब भी कम्युनिकेशन जरूरी है ताकि लर्नर्स को समझ में आए, बिजनेस में देखें तब भी कम्युनिकेशन हर प्रोसेस में जरूरी है ताकि कस्टमर को भी पता चले हमारे पास ये प्रोडक्ट है. जब तक हमें पता चलेगा ही नहीं तो फिर कैसे करेगा, है ना? तो आपके आने से थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था कि कैसे पढ़े. अब वो 2 मिनट बाद एक और बच्चा नहीं आ जाएगा, वो भी पूछेगा सेम डायलॉग. ठीक है, अब वीडियो दोबारा देखना, नहीं तो लास्ट में पूछना. सो 3 सिंपल डेफिनेशन है कम्युनिकेशन की. कैसे? जैसे कि इससे हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं कम्युनिकेशन से. गिविंग एंड रिसीविंग मैसेज, जिसमें मैंने मैसेज दिया आपसे लिया, ऐसे भी कह सकते हैं. देन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, कैसे हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक. ये सिंपल है डेफिनेशन, घर पे कम्युनिकेट करना मतलब अपनी बात कहना. अब हम देखते हैं कम्युनिकेशन शब्द आया कैसे. लेटिन वर्ड से आया, जिसका वर्ड का नाम था कम्युनिस या कम्युनिकेर. ये क्वेश्चन आता है कि ये ग्रीक है, लेटिन है, ये कौन सा है. ठीक है, दिस इज लेटिन वर्ड, एंड वर्ड क्या है, कम्युनिस या कम्युनिकेर. इसका मतलब होता है कि जो हमारे अंदर है उसको कॉमन कर दो. भाई मैंने आपसे बात कही, आपको कुछ समझाया, मैंने अपने थॉट्स आपके साथ कॉमन कर दिए, साझा कर दिए. ठीक है, इसका मीनिंग होता है टू मेक कॉमन. कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि कॉमन कर देना. आगे समझ? तो इससे एक्सचेंज करते हैं हम थॉट्स, मैसेज, इंफॉर्मेशन स्पीच के द्वारा, सिग्नल्स या फिर राइटिंग के अंदर. ठीक है, कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है जो कि फीडबैक के साथ ज्यादा अच्छा काम करता है. मतलब अगर हमारे पास फीडबैक होगा तभी हमारा कम्युनिकेशन सही ढंग से काम कर पाएगा. क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है जो मैंने समझाया उसका जो मेरा इंटेंशन थी वही दूसरे वाले बच्चे को समझ में आया कि नहीं. ठीक है, ऐसा. हाँ जी, अब ये जो नाम है, नाम के अकॉर्डिंग भी आजकल क्वेश्चन आने लग गया कि ये वाली डेफिनेशन किसने दी, ये किसने दी. तो एक बारी पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट. रॉबर्ट एडर्सन कहते हैं कम्युनिकेशन इंटरचेंज ऑफ थॉट्स, आपस में इंटरचेंज. देखो इनको लिख लिख के ये याद करने वाली आदतें छोड़ दो. ठीक है, पेपर में लिखा हुआ आएगा, अपने दिमाग में बस बिठाओ कि इंटरचेंज किसने कहा था. ये डेफिनेशन भी लिखी होगी, ऑथर का नाम भी लिखा होगा, जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा वाला सही है. समझे? तो अपने माइंड को ऐसा डेवलप करो. अब लुइस, इंटरचेंज ऑफ थॉट्स, ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन बाय स्पीच, बोल के, लिख के और साइन के थ्रू. साइन मतलब इशारे. मेरी प्लस क्लास 2 से 4, 5 से 7 होती है. 2 से 4 पेपर 1 एंड 5 से 7 पेपर 2 कॉमर्स. ठीक है, एंड रात को 10 PM भी लिया करो, क्योंकि प्लस क्लास में जैसे अभी कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ ना, तो कम्युनिकेशन के ही क्वेश्चन कराऊंगी रात को. लुइस क्या कहते हैं, सम ऑफ ऑल थिंग, वन पर्सन जो कोई कार्य करता है, वन पर्सन डज, ही वॉन्ट टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन माइंड ऑफ अनदर, दूसरे के दिमाग में हम कौन सी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं, ये वो है. टेलिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, बोला, सुना और समझा, इस तरीके से. ठीक है, के डेविस क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, कैसे, फैक्ट, आइडिया, थॉट, वैल्यू से. ये उन्होंने बोला ट्रांसफर. इधर इंटरचेंज शब्द यूज किया, इधर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने बोला है, सम टोटल बोला है, तो इधर ट्रांसफर वर्ड यूज किया के डेविस ने. किसका ट्रांसफर, कैसे, फैक्ट्स मतलब तथ्य, आइडिया, थॉट्स, वैल्यूज, वैल्यूज होते हैं अहमियत. पीटर लिटिल ने लिटिल डेफिनेशन दी है और कहते हैं कि ट्रांसमिशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ताकि समझ आए और डेवलप कर सके. और मैकलान ने तो बड़ी आसान आसान से डेफिनेशन दी है, उन्होंने बोला है जस्ट एक माध्यम है, मीडियम इज मैसेज. अच्छा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है वैसे, मेरे को लग रहा है कि मीडियम इज द मैसेज किसने बोला, एक माध्यम मैकलान ने बोला. ठीक है, हाँ जी. सो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं कम्युनिकेशन एक्चुअली स्टार्ट कैसे हुआ.
मतलब सिर्फ बातचीत कर पाना तो बहुत पुराना से स्टार्ट हो गया होगा। जैसे बर्ड्स हैं, इनको कोई सिखाता थोड़ी है, अपने आप ही चैं चैं टक करते रहते हैं, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में। सो 30,000 BC बिफोर क्रिस्ट, आइस एज ग्रुप पीपल मार एवरी आइवरी बोन स्टोन, मतलब कि पत्थरों से कम लिखा करते थे, ठीक है, मार्क किया करते थे। यस 1400 BC में मैजरिच यूक्रेन फर्स्ट नोन आर्टिफैक्ट्स मैप यूजिंग बोन, इन्होंने हड्डियों से आर्टिफैक्ट्स बनाया था। उन्होंने हड्डियों से, ठीक है, बोन से बनाया था, ठीक है। सो प्रायर टू 5 BC, देखो यार इसमें आप कहोगे मैम ईयर भी याद करने हैं सारे, एटलीस्ट सीक्वेंस याद करना चाहिए आपको कि सबसे पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, समझे। ईयर तो देखो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए तो भी चलेगा, एग्जैक्टली याद ना भी रहे क्योंकि पेपर में अगेन इट मस्ट बी रिटन। वैसे ईयर पे क्वेश्चन नहीं आता, आपको अरेंज करने पे क्वेश्चन आता है मेनली, ठीक है, ज्यादातर। इसलिए एक बार ये गो थ्रू कर लीजिए कि पहले क्या हुआ था, पत्थरों से, बोन से, और पहली बार जो मैप बनाया गया था वो यूक्रेन के द्वारा बनाया गया था। इसको आर्टिफैक्ट बोलते हैं क्योंकि किसी किसी की पुरानी चीज होती है ना जो, उसको बोलते हैं। तो हड्डियों से, पुरानी हड्डियों से मैप बनाया था उन्होंने। कम्युनिकेशन पेंटिंग के थ्रू किया गया रीजनल तब के ट्राइब्स में। सारी की सारी स्लाइड्स इंग्लिश हिंदी में, उसकी चिंता आप मत करना, अभी सिर्फ मेरे को सुनो, ठीक है, बाद में देखना अगर वो देखना हो तो। और सुमेरियन ने वर्ड्स डेवलप किए थे, ये बहुत अच्छी बात है। सुमेरियंस एक तरीके के प्रजाति थी, जैसे इंडिया में हिंदू सिख ईसाई ये सब होते ना, वैसे वो सुमेरियंस थे। उन्होंने डेवलप किया था कुनिफॉर्म राइटिंग, लिखत में राइटिंग्स इन्होंने स्टार्ट की थी। इजिप्टियंस ने हिरोग्लिफ राइटिंग स्टार्ट की थी, मतलब शब्द जो पहली बार लिखा गया है वो सुमेरियंस को जाना जाता है कि वर्ड्स प्रॉपर आए हैं, शब्द आए हैं, ठीक है। अभी मैं दिखा भी दूंगी इनकी राइटिंग, बुकमार्क करने के बाद नोट्स बना ले। अच्छा, और उसके अलावा फोनेशियन डेवलप अल्फाबेट, ये फोनेटिक्स होती क्या है वैसे, जिसमें सही उच्चारण हो वर्ड्स का, ठीक है। वो साइनू ने पेपर इन्वेंट किया, हाँ जी, वेद्स तो बहुत पहले लिखे गए थे। हाँ वेद्स नहीं आलोक, हम लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ते हैं कि जो वेदास है एंशियंट हायर एजुकेशन के अंदर वो ओरल थे, ठीक है, यू मस्ट क्लियर अबाउट दिस, कि जो वेदा है वो ओरल ही लेसन दिए जाते थे। जब ब्राह्मण आए थे उसके बाद वो लिखा लिखा गया था, और उन्होंने वेदांत कर दिया था, जब वेदांत हुआ तब वेद लिखे गए, ठीक है। यस, तो वो गड़बड़ हो गई आपकी, वो सुना गया था। चलो ठीक है, अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। 7th सेंचुरी में हिंदू माल्यान एम्पायर जो थे उन्होंने लीगल डॉक्यूमेंट्स कोपर वायर से लिखे थे, और ये रहे हिंदू मलायन एम्पायर्स। पेपर इंट्रोड्यूस किया गया था फिर बैटल ऑफ तालास के टाइम पे, और क्विल का मतलब होता है इंक होती थी ऐसे करके, ठीक है, और वो फर होता है ना उससे लिखते थे, इंक से लिखते थे, ठीक है। तो जो इंक है वो आई थी, आपकी क्विल आया था 1250, ठीक है। देन उसके बाद चाइनीज ने डेवलप किया ब्लॉक मूवेबल पेंटिंग, वो ना ब्लॉक लगाते थे ऐसे ऐसे लगा लगा के, ब्लॉक ब्लॉक दिखा था ना, वुडन ब्लॉक्स होते हैं तो उससे पेंटिंग किया करते थे। अच्छा जैसे एक नॉर्मल इजी एग्जांपल है मेहंदी वाली, वो छापे वाली मेहंदी होती है, वो वुडन ब्लॉक पे पूरा डिजाइनिंग होता है ना, उसको ऐसा करके ऐसा छाप दिया, ठीक है, तो वो भी ब्लॉक ही है, लगभग उसी तरीके की कोई टेक्निक टाइम पे। देन जोनस गटेबर्ग ने इन्वेंट किया प्रिंटिंग प्रेस, मेटल की थी वो तब, ठीक है, हाँ स्टैंप लगती है उसकी। जैसे ऐसे ही चार्ल फेनरी ने वुड पल्प रैक पेपर को एलिमिनेट कर दिया, वुड पल्प से पेपर बनाया। ये जो पेपर है वुड के पल्प से, वुड से निकाल कर बनाया उन्होंने, ठीक है। प्रेस नोवा स्कोया ने पोनी एक्सप्रेस, और उसके बाद फर्स्ट फोटो कॉपी जो ऑफिस यूज के लिए यूज की जा सकती है चेस्टर कैरिसन ने बनाई, जैसे जेरोक्स भी होती है ना जो शॉप्स वगैरह में यूज कर सकते हैं, वैसे वुड पेंटिंग भी होती है, हाँ होती है।
अब इसको फोटो से देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले तो जैसे कि गुफाओं में पेंटिंग करते थे, ठीक है, जैसे अपने हाथ के पंजे छापे हुए हैं इस तरीके से। देन आपका सुमेरियस ने तो शब्द निकाल ही दिए थे पहले, उसमें हीरोग्लिफ क्या होता है, हीरोग्लिफ आप देखो दीवारों पे इस तरीके से गाड़ दिया जाता है, उसी को बोलते हैं हीरोग्लिफ। एंड मैनुस्क्रिप्ट्स होती है हाथ की लिखी हुई पन्नों पे, पेजेस पे, जो हम रिसर्च स्कॉलर होते हैं उसको भी क्या बोलते हैं कि हमने क्या लिखी है, रिसर्च रिसर्च लिखी है या मैनुस्क्रिप्ट लिखी है, ठीक है। सो यहाँ पे ना क्या हुआ, मैन नेम गुटेनबर्ग इन्वेंटेड द वे बुक्स वर मेड थ्रू हिज इन्वेंशन प्रिंटिंग प्रेस में, ठीक है। सो मोर प्रिंटिंग प्रेस और मोर कोर्स, ये जो आपकी फर्स्ट सक्सेसफुल टाइपराइटर इन्वेंट किया गया था क्रिस्टोफर लैथम ने, और इसके बाद आया आपका टाइपराइटर, ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रेस आई है पहले लकड़ी की हो रही है, लकड़ी के बाद प्रॉपर ये मशीन वाली टाइपराइटर्स आए हैं बाद में, जो कि सैमुअल मोर्स ने बनाए थे। द सैमुअल, एक्चुअली ये मुझे लगता है आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, बस ये सैमुअल मोर्स का है डाटा और ये टाइपराइटर का डाटा है, ठीक है, ये उल्टा हो गया बस फोटो के हिसाब से। बाकी ये कौन है, ये मोर्स कोड बनाए थे किसने, सैमुअल मोर्स ने, और टाइपराइटर क्रिस्टोफर लैथम ने, ठीक है। तभी ये मोर्स कोड का ईयर ये होगा और 1878 में टाइपराइटर का होगा, मेरे को यही याद था कि यहाँ पे कुछ उल्टा है। हाँ जी, तो अब यहाँ पे भी देखोगे ना आपको ईयर समझ में आ जाएगा, जो प्रिंटिंग प्रेस है 1448 में ही आ गई थी। हाँ जी, देखकर हारमोनियम है भाई, टाइपराइटर है वो। देखो मोर्स कोड 1844 में और टाइपराइटर 1878 में आए थे, तो यहाँ पे मैंने अभी सही लिखा है, वो फोटो इंटरनेट की थी ना। फिर अब ईयर वाइज देखो, आप ईयर वाइज अगर देखोगे तो नहीं ना, 1878 में टेलीफोन का आविष्कार हुआ है और 1895 में रेडियो का आविष्कार हुआ है, ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर, यस चार्ल्स बेबेज का कंप्यूटर आ गया, एनईए का आ गया, फिर इंटरनेट, उसके बाद स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, टैबलेट्स वगैरह आए हैं, समझे। ऐसे बीसी क्या होता है, बिफोर क्रिस्ट, ये एक्चुअली एक टाइम पीरियड होता है जब क्रिश्चियंस के जो जीसस क्रिस्ट है ना, उनका जब बर्थ हुआ था, बर्थ ऑफ क्रिस्ट, तो उस बर्थ के अगले साल से 1 2 3 4 5 6 जो अभी हम आनो डोमिनी देख रहे हैं ना, एडी, अभी क्या चल रहा है, एडी 2022 एडी चल रहा है, ठीक है। सो ये चल रहा है, इससे पहले बिफोर क्रिस्ट था, क्रिस्ट के जन्म से पहले के साल, बिफोर क्रिस्ट। इसका मतलब कि अगर यहाँ 1 2 3 और मैंने 300 लिखा है तो, और 300 से भी बड़ा ईयर कौन सा है, 30,000, उससे भी बड़ा ईयर, उससे पुराना, मतलब पुराना वाला के नंबर ज्यादा होंगे, और जो क्रिस्ट के पास आएगा वो होगा 5 4 2 3 1, ठीक है। अभी आपको बात समझ में आ गई, ये पूर्व है, ये उसके बाद में। वो ये तो बस सीरियल वाइज करने है, इसको सीरियल ही करना है, ठीक है। अब आराम से पढ़ेंगे, तो अब हम देखते हैं इसको अलग अलग चार्ट में, इसलिए दिखा रही हूँ कि बार बार देखने में ना रिवाइज हो जाते हैं, माइंड में आ जाता है, ठीक है। मैं सब कुछ पीती हूँ, ठीक है, टी कॉफी मिल्क सब, मतलब इन सब में से सब। अब देखो यहाँ पे केव ड्रॉइंग, केव पेंटिंग, गुफाओं में पेंटिंग हो करती थी। उसके बाद क्या है, पिजन, कबूतर, जा जा जा, इसको चिट्ठियां देते थे वो इधर से उधर छोड़ता था। उसके बाद न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स खपानी भी थी, न्यूज़पेपर्स के फर्स्ट न्यूज़पेपर ना। उसके बाद मोर्स कोड आए, फिर टेलीफोन आया, फिर मैसेज, एग्जैक्टली टेक्स्ट मैसेज, एसएमएस वाला, ये सब भी आया, ठीक है। हाँ वैसा ही है, स्टैटिस्टिक्स में जैसा होता है ना इंडेक्स नंबर, वैसा होता है। अब इसको अलग तरीके से भी देखते हैं, ठीक है। मोर्स कोड एक्चुअली ऐसे कोड थे, ये बिंदी डॉट,
ऐसा करके, अब इनकी लैंग्वेज यही पता हो या तो हमें सीख पड़ेगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से कोड बना रखे थे इन्होंने। अच्छा, ए का मतलब ये था, इसका मतलब बी था, ऐसा ऐसा करके इन्होंने कोड बनाए हुए थे, ठीक है। अच्छा देखो, स्मोक सिग्नल्स पहले क्या करते थे ना, जो हाँ धुएं का छल्ला बना के, धुएं से ऐसे ऐसे कोई ना कोई शेप बना के उसका मीनिंग भेजा जाता था, जो बंदा दूर है, मतलब एक एक साइड पे है, एक पोर्शन बहुत दूर है, उसको सिग्नल्स भेजे जाते थे कि हम यहाँ हैं, अब हम ये कर रहे हैं इस तरीके के, ठीक है। फिर पीजन आ गया, जो कि कबूतर चिट्ठियां लेके जाता था। मोर्स कोड, रेडियो आया, टेलीफोन, फैक्स, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, ईमेल वगैरह, तो आपको आगे का पता है, ठीक है। अब दोबारा से पिक्चर्स अगेन अगेन देख के क्या होता है, रिकॉल होता है, इसलिए मैं डिफरेंट टाइप के पिक्चर्स आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि केव पेंटिंग है ना, ऐसा स्काउट्स एंड गाइड्स में भी होता था। हाँ, देन ग्रीक शब्द आए थे, लेटिन शब्द आए थे, पर्सनल कंप्यूटर, एडोब का कीनोट, इमोजीज। देखो अब, अच्छा ये वैसे ना ऐसे नहीं चल रहा है, ऐसे चल रहा है। केव पेंटिंग, हीरोग्लिफ, ग्रीक, चाइना पेपर, लेटिन, ऑफ, ऑफ भी इस तरीके का है जिसमें गोल गोल प्लेट घूमती थी और चलता था, ऐसा रेडियो टाइप का, ये प्रॉपर रेडियो नहीं है। फिर पर्सनल कंप्यूटर, पीपीटीज एंड ऑल, ऐसे आप ये बुक में पिक डाल देते, नहीं फिर तुम बुक 1,000 रुपए की खरीद लेते, ठीक है। मतलब बुक में इतना सारा कुछ, सारी की सारी फोटो डालना, वे पेज नहीं भरते बता दो, ठीक है। हाँ वो तो सॉफ्टवेयर का नाम है इतना, वो प्रेजी, ये सॉफ्टवेयर्स है कुछ रिसर्च के लिए काम आते हैं। अब बाकी ये देख लेना तुम, क्योंकि तुम्हें दोनों दोनों जगह चाहिए। अब हम देखते हैं केव पेंटिंग स्टोन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। केव पेंटिंग स्टोन टैबलेट्स, क्ले टैबलेट्स, स्मोक सिग्नल्स। हाँ जी, आक्ता दुराना, गैजेट, प्रिंटिंग प्रेस, कोडेक्स, न्यूज़पेपर, टाइपराइटर, पंचकार्ड, टेलीफोन, फोनोग्राफ, रेडियो, टेलीविजन, मतलब इनकी मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी एक सीक्वेंस यहाँ पर दे दी है, ठीक है। क्ले का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी के भी टैबलेट्स आया करते थे, मिट्टी के टैबलेट स्टाइलस के साथ, इसका क्या मतलब हुआ। 30,000 BC का मतलब प्लीज बता दो। हाँ, बिफोर क्रिस्ट एरा, अभी राठौड़ समझा दिया मैंने, बाकी सबको समझ में आ गया ना कि वो सबसे ज्यादा दूर है वो एक्चुअली, ठीक है। 35,000 उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा दूर है सबसे पुराना, और 30,000 इसके, 35,000, 30,000 BCE उससे पहले है, मतलब अब रिसेंट है, रिसेंट, ये पुराना है, ये न्यू, उसके बाद आया ईयर। सबसे पहले कम्युनिकेशन में राइटिंग, जैसे अगर हम देखें तो इराक में भी इस्टेब्लिश हुई थी, फिर अल्फाबेट हम देख सकते हैं इसराइल में, लेबनन अल्फाबेट स्टार्ट हुए थे, ठीक है। हाँ जी, सीक्वेंस में आता है, इसको सीक्वेंस में लगाना है। अब ज्यादा तुम्हें बोरिंग लग रहा है ना, मैं आगे आगे करती रहूंगी, क्योंकि तुम ऐसे ऐसे करोगे तो फिर मैं क्या करूंगी। अब हम प्रोसेस कर लेते हैं कम्युनिकेशन के। यस, सो कम्युनिकेशन के प्रोसेस को समझते हैं। इसका मतलब होता है, सबसे पहले तो होता है एक सेंडर, जहां मुझे मोटिवेशन दिखेगा मैं वहां रुकूंगी। अब तुम्हारा ये हाय हुई, रोते रहोगे तो मैं आंसू जरूर बहाने मैंने, ठीक है। एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, लेकिन सेंडर से जब मैसेज आगे जाता है तो एक्चुअली सेंडर क्या करता है, सेंडर एनकोडिंग करता है। एनकोडिंग का मतलब देखो, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक आइडिया चल रहा है कि क्या है, क्या करने वाले हैं, ये सब मैसेज मुझे बोलना है लेकिन बोलना नहीं आ रहा कि बोलो तो बोलू कैसे। फिर उसको एनकोड करके हम क्या करते हैं, एक्चुअली उस मैसेज को आर्टिकुलेट करते हैं, सही शब्दों में बनाते हैं, मीनिंगफुल बनाते हैं। एनकोड करना, आइडिया को एनकोड करते हैं, मीनिंगफुल मैसेज में बनाते हैं, तो इसके बाद क्या बनता है, हमारा एक मैसेज बनता है, समझे। मैसेज को मैंने भेजना है तो कैसे भेजो, मैं चैनल के थ्रू भेजूंगी ऐसे। सो मैसेज को चैनल के थ्रू भेजा, माध्यम से भेजा, माध्यम से भेजा, तो वहां पर जाके क्या होगा, डिकोडिंग होगी। डिकोडिंग के बाद रिसीवर आएगा, ठीक है। अब इन सभी प्रक्रिया के बीच में मेरे खुद के कुछ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होते हैं, वहां रिसीवर के भी खुद के कुछ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है,
और बीच में साथ साथ नॉइज प्रॉब्लम्स इश्यूज भी चलते ही रहते हैं, ठीक है, ये भी सब कम नहीं होते। तो इस तरीके से सब कुछ चलता रहता है। अब आपके माइंड में सिर्फ एक ही कंफ्यूजन हो सकती है कि बताओ डिकोडिंग कैसे आया रिसीवर से पहले, तो इसको समझेंगे। जो रिसीवर है इससे पहले डिकोडिंग कैसे आया, इसके दो तीन एग्जांपल मैं देके समझाती हूँ। जैसे कि हाँ जी ये तो आता है आपको, नहीं न्यू बच्चों को भी तो समझ है ना। देखिए जैसे कि अगर हम देखते हैं वो मूवी आनंद भाई वाली, मुन्ना मुन्ना भाई MBBS है ना, सो वो वाली मूवी के अंदर वो आनंद भाई होते हैं जो व्हील चेयर पे बैठे होते हैं, ठीक है, देखा उनको, जो कि कोमा में होते हैं, जिनके माइंड में थॉट्स प्रोसेस नहीं जाते, समझे। सो उसमें क्या होता है कि सामने से जो भी पर्सन है उनको कुछ कह रहा है कह रहा है कह रहा है, तो इधर रिसीवर तो बैठा हुआ है, रिसीवर कहाँ गया है, आप डाल दो रिसीवर, पहले डाल दो, रिसीवर तो पहले ही है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा मैसेज को। एक्चुअली जब हम मैसेज भेजते हैं तो सामने वाला जब डिकोड करता है तभी एक्चुअली हम कहते हैं कि हाँ रिसीवर के दिमाग में घुसा है, समझे। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एक सेकेंड, अगर मैंने ये बोला है, ये बोला है मैंने, ठीक है, बेने वानी रा आला क्लोज नवक्लास नवदीप कौर, ठीक है, सो अभी मुझे ये बात बताओ किस किस सारे रिसीवर यहाँ पे क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन इन सारे बच्चों में से सारे रिसीवर ही है, किसको ये बात समझ में आई कि ये मैंने क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, समझ नहीं आई। तो इसका मतलब अगर मैं आपके साथ ऐसी कोई लैंग्वेज बोल दूं जिसका कोई मीनिंग आपको नहीं पता, या वो जो लैंग्वेज नहीं आती, तो भैंस क्या के बीन बजाने के बराबर है, बिकॉज रिसीवर तो सामने खड़ा हुआ है, डिकोड नहीं हो रहा है, अंदर घुस नहीं रहा है, बोला क्या जा रहा है मुझे, ठीक है, नीलम भी गलत है, फ्रेंच है ही नहीं है, ये स्पेनिश है, ये मैंने स्पेनिश में बोला है, ठीक है, और स्पेनिश में मैंने क्या बोला है मैं खुद ही देख के आती हूँ, स्पेनिश में मैंने बोला वेलकम टू नवदीप कौर क्लास, हाँ मैंने लिखा है वेलकम टू नवदीप कौर क्लास, और इसने क्लास को क्लोज लिख दिया जैसे, अच्छा क्लास से लिखा है, क्लास से, ठीक है, मैं एक बार सुनाती हूँ। Welcome to Navdeep Core Class. Bienvenido a la clase Navdeep Core. ये तो स्पेनिश में Bienvenido a la clase Navdeep Core. समझे। तो भाई अगर ये पहले यारों कर रही है तो क्या कुछ समझ आ रही है, नहीं आ रही है, तो अब तुम मान गए कि नहीं माने हो कि डिकॉर्ड पहले आएगी कि रिसीवर, रिसीवर तो पहले बैठा था क्लास में, उसको तो समझ क्यों नहीं आ रही है, उसके डिकॉर्ड क्यों नहीं हो रही, मतलब नहीं। भेजे में तो तभी घुसेगा जब समझ में आएगी, अगर भेजे में घुसा तो इसका मतलब वो मीनिंगफुल है, तो रिसीवर का काम वहां पे है कि हाँ मुझे पता चल रहा है कि क्या कहा जा रहा है, समझे। हाँ जी एक बार ये और प्लीज, मतलब तुमसे रिकॉर्डेड को 100 बार देख लेना, ठीक है, ओके। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें एक सोर्स होता है जो सेंडर, वो इनकोड करता है, मैसेज बनता है, चैनल के माध्यम से आके डिकोडिंग होता है, तभी रिसीवर को समझ में आएगा। ऐसे कोई भी अपनी लैंग्वेज में करता है, लेकिन तुम्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, यहाँ से जाएगा यहाँ से जाएगा, काम खत्म, नथिंग, ठीक है। और इधर हमारे लिए फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, इधर आपके फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, यहाँ पे कुछ नॉइजेस है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस भी क्यों जरूरी है, वो भी इसीलिए जरूरी है कि हम दोनों समझ पाए एक दूसरे की बात, नहीं तो ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट है। यस, रिस्पॉन्स फीडबैक लूप, इसके साथ साथ फीडबैक इस चीज को और अच्छा से कवर कर देता है कि एक्चुअली अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। हाँ आज टल्ली सी चलो ठीक है, सीरी टल्ली आज। हाँ जी कल 2 बुक्स मिला, बहुत अच्छा है, थैंक यू आपकी फोटो देखकर। हाँ फोन से बुक कैसे हमें बताया मैम, अच्छा ठीक है चलो बढ़िया। ये लास्ट में लिखा क्या है, बच्चा खुश होकर बुक, अब देखो मेरे को इसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, तो यहाँ पे डिकोडिंग नजर नहीं हो रही, तो रिसीवर के बल्ले तभी पड़ेगी आखिरी लाइनें, ठीक है, मुझे बुक नहीं डराइए,
पता नहीं क्या बोल रही है। चलो इधर ध्यान दो, रिकॉर्डिंग में थोड़ा लास्ट में आपके वो टाइप हो गए इसलिए समझ नहीं आप। क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अच्छा, बच्चा बुक नहीं रहा ऐसा बोल रहे हो, ओके ओके ठीक है, उसे कहो तो पढ़ ले आराम से, पर ये ध्यान देखना कि पार्टनर है बस बच्चों के, पता कुछ नहीं होता। अच्छा लिसन केयरफुली, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन इसमें क्या था है? सबसे पहले तो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, हम लोग सिर्फ अपने आप से ही बात कर रहे होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं इंट्रा पर्सनल सेल्फ टॉक। सो नंबर ऑफ पर्सन टू हू मैसेज इज एड्रेस, जिसको मैसेज भेजना है उसको बोलते हैं। यहाँ पर ये देख रहे हैं किस बेसिस पे हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, कि कितने लोगों को मैसेज भेजेंगे उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। इंट्रा पर्सनल में कितने नंबर ऑफ पीपल है, फोन से बुक में कैसे आई, अच्छा सही है। इंट्रा पर्सनल मतलब वन पर्सन है, अपने आप से बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम मिरर में देखे रहे, अरे वाह आज तो हम मैं कमाल लग रहा हूँ, ठीक है। हाँ मिरर मिरर कौन है सबसे सुंदर पागल है ये, झूठ मत बोलो, कभी तुमने हेयर स्टाइल बना के सोचा नहीं होगा है, तुम झूठ मत बोलो, ये पागल ही है सब हो सकते हैं। अच्छा देखते हैं, जैसे कि इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में और क्या क्या आता है, प्रैक्टिस करती है ठीक है। साइलेंट टॉक, साइलेंट टॉक का मतलब क्या होता है कि हम लोग चुपचाप कहीं बैठे हैं तो भी अपने दिमाग में कुछ सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हमने इंट्रा पर्सनल किया। वर्बलाइजेशन मतलब बड़बड़ाना, अपने आप के अंदर बड़बड़ाते हैं हम, ठीक है। मिरर टॉक मैंने अभी दिखा दिया आपको पीछे, ऐसे शक्ल में खुद ही आओ 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 करते रहते हैं। एंड पार्टनर टॉक क्या होता है, अपने आप से पार्टनर टॉक कहाँ से हो गई, अरे हमारे अंदर एक अच्छा इंसान होता है और एक बुरा इंसान होता है, ठीक है, तो उसी से हम पार्टनर टॉक करते हैं, अब समझे। हाँ जी मतलब एंजल और वो नहीं मुझे करना चाहिए यार, मैं ऐसे नहीं ऐसे कर लेता हूँ, नहीं ऐसे करना चाहिए, नहीं ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे ऐसे बातें करते हैं हम अपने आप से, ठीक है। देन सेल्फ कन्वर्सेशन, खुद से बातें करना। रिटन सेल्फ टॉक, कुछ लोगों को अपनी पर्सनल डायरी लिखने की भी आदत होती है तो वो अपने लिए ही सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं, ठीक है, रिटन लिख के लिख के। सेल्फ टेप का मतलब होता है खुद की आवाज खुद सुनी, वैसे गानों का जो रियाज करते हैं वो लोग खुद ही अपनी आवाज सुनते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, फिर सुनते हैं कि कैसा लगा, फिर ऐसा ऐसा भी चलता है, ठीक है। देन क्वेश्चन सजेशंस भी करते हैं, सेल्फ टॉक में ये सब कुछ आता है। अब कुछ बचा है यहाँ पे, सोली का मतलब होता है अकेला, सिंगल, ठीक है। तो सोली क्यों, मतलब कि एक ऐसा करेक्टर जो अपने ही थॉट्स फीलिंग के साथ खुद ही बातें करते रहता है उसको बोलेंगे जी। अच्छा तो जब हम अपने लेवल पे अपने आप से इतनी ज्यादा बातें करने लग जाते हैं ना तो हम थोड़ा पार निकल जाते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं बियॉन्ड चले गए। कैसे चले जाते हैं, ट्रांसीडेंटल या ट्रांस पर्सनल, एक पर्सन ट्रांस हो गया, दूर चला गया, ठीक है। पार्टनर टॉक, अरे हमारे अंदर भी एक अच्छा पर्सन होता है और एक बुरा पर्सन होता है, और ये कहता है यार ऐसे काम कर ले, ये कहता है कि नहीं यार ऐसे मत कर, ठीक है, तो अपने आप से हम बातें करते हैं, अपने आपको ही एज अ पार्टनर ले लेते हैं, उससे बात करते हैं, ठीक है। सॉली क्यों का मतलब नहीं समझ में आई तुम्हें, तुम कान से सुनती क्यों नहीं हो, इसका मतलब अकेला खुद ही अपने इमोशंस वगैरह में बहना, या फिर खुद ही इमोशंस या थॉट प्रोसेसिंग से गप्पे मारते रहना। सॉली शब्द का मतलब सोल मतलब अलोन होता है, यस। जिनको पर्सनल डायरी लिखने की आदत होती है वो अपने आप से ही बातें करके अपने आप के ही विचार लिख रहे होते हैं, ठीक है। हाँ सो ये जो है ना ट्रांसेंडेंटल या ट्रांसपर्सनल, ये क्या डिस्क्राइब करता है, एनीथिंग दैट हैज टू डू विद स्पिरिचुअल नॉन फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल या फिर नॉन फिजिकल वर्ल्ड आ जाता है। हाँ जी मी से मतलब, जैसे कि कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम गॉड से बातें करें, भगवान से, या फिर हम लगता है कि हम आत्मा से, एक्चुअली लगता है हमारे सामने ये जो चीजें है ना ये बोलती है, अरे तू ऐसे क्यों कर रहा है, तो ये ऐसे क्यों करना चाहिए
सुना नहीं तुमने, आत्मा से बातें करने लग जाते हैं, फिजिकल चीजें ऐसा लगता है कि नॉन फिजिकल चीजें कि ये ऐसा कुछ होगा यहाँ पे जरूर जो हमसे बोल रहा है, बात कर रहा है, सुपरनेचुरल पावर्स वगैरह। हाँ तो ये क्या है, ट्रांसेंडेंटल एंड ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, समझे? यस। अच्छा एक और पॉइंट होता है कई बारी, हाँ जी, तो वो झूठ होता है, सच भी हो सकता है, झूठ हो सकता है, मेरे को क्या पता, मैंने तो किया नहीं ऐसे, ठीक है तुम करके देख लो, लेकिन पागल मत हो जाना सच्ची में। अच्छा सुनो, अब एक चीज और होती है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ना हम गॉड से बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम एक स्टोन से बात कर रहे हैं या गॉड से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि मैंने गॉड से कुछ मांगा, गॉड ने मुझे कुछ दिया, तो एक्चुअली कुछ इसको इंटर बोलते हैं, कुछ लोग इसको इंटरपर्सनल बोलते हैं कि वो अलग है, हम अलग हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, और कुछ लोग इसको ट्रांसीडेंटल बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसीडेंटल का मतलब कि हम धीरे धीरे स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंच गए, आध्यात्मिक चीज पे पहुंच गए, क्योंकि वहां पर स्पिरिचुअल क्या है, जो दिखता नहीं है, जो है नहीं, या सेल्फ को पहचानना। वैसे योगा में स्पिरिचुअल लेवल कोई अलग चीज नहीं है, अगर मैं योगा की बात करूं तो वो सेल्फ है, वो है कि अपने आप की पहचान कर लेना, हमारी आत्मा क्या है, ये सब चीजें, समझे? हाँ, पाथ ऑफ सेल्वेशन, बियॉन्ड चले जाना, तो वो सब चीजें भी आपके ट्रांसेंडेंटल में आती है, जो स्पिरिट्स वगैरह वाली बातें हैं, हाँ वो भी इसमें आएगा, ठीक है। हाँ जी, और कुछ? एक बार एक भूतनी मेरे पीछे पड़ गई थी, वो सिंगर थी, ठीक है, फिर तो हमने ट्रांसेंडेंटल कम्युनिकेशन कर लिया था, ओके, मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने तो, और यार चुप कर जाओ एक बड़ी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसमें दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, ठीक है, टू और मोर देन टू होते हैं, ओके क्या हो गया प्रियंका, क्या कह रही हो मैम, एनिमल से बात करना, एनिमल तो अलग पर्सन साक्षात दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा तुम्हें अरे यार एनिमल तो फिजिकल है, दिखता है, वो कहां से ट्रांसेंडेंटल हो गया, वो तो एनिमल से बात करें तो इंटरपर्सनल आ गया, समझे? दैट विल बी इंटरपर्सनल। हम लोग चिड़िया से बात कर रहे हैं, चिड़िया आपस में बात कर रही है, वो इंटरपर्सनल है, समझे? हाँ जी, सो इंटरपर्सनल शब्द में क्या आता है, इंटरपर्सनल वर्ड में आता है, एक तो इनको ट्रांसपर्सनल समझ नहीं आ रहा, तो तुम्हारे बीच में घुसती क्यों नहीं है, जो नहीं घुसती शायद वही है, ये ट्रांसीडेंटल या ट्रांसपर्सन दोनों सेम है। हम ज्यादा ही आध्यात्मिक लेवल पे पहुंच जाते हैं, अपने सेल्फ, अपने आप से ज्यादा डिटेल में जब बातें करने लग जाते हैं, तो हमें लगता है कि सच्ची में यहाँ पर कोई है, उससे हम बात कर रहे हैं, भूतों से बात करते हैं, भगवान से बात करने लग जाते हैं, तो ये चीजें ट्रांसीडेंटल होती है, ऐसी चीज जो एक्चुअली साफ दिखाई देता नहीं है, जिसको हम टच कर नहीं सकते, लेकिन हम उससे बात कर रहे हैं, ख्याली पुलाव होते हैं वो। अब इसको भूतनी मिली थी सच्ची में तो पता नहीं अब, ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में टू और मोर देन टू पीपल आपस में बात करते हैं तो उसको बोलेंगे, देखो दो लोगों के बीच में भी हो सकता है इंटरपर्सनल, जब सिर्फ दो लोगों के बीच में ही होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डायाडिक। डायाड का मतलब क्या होता है, ओनली टू, ठीक है। हाँ जी, आज सबको रात में ट्रांसपर्सनल समझ में आ जाएगा और इसको और क्या बोलते हैं, बाइनरी, बाइनरी में भी जीरो और वन, सिर्फ दो ही होता है, ठीक है, ऐसे फर्स्ट टाइम लेंस लगा के क्लास ले रहे हैं। अच्छा देखो डायाडिक इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जब दो लोग या दो क्रिएचर बोला गया है, मतलब कि ऐसा ना हो कि तुम कहो कि डॉग्स या एनिमल आपस में बात कर रहे हैं तो वो इंटरपर्सनल नहीं है, क्यों भाई, वो क्रिएचर मतलब कोई भी एक दूसरे से बात कर सकता है, तो उसको डायाडिक बोलते हैं। दो कबूतर छत के ऊपर गप्पे मारते हैं, गुटरगू गुटरगू, मैंने 2-3 बार भगा दिया उनको अपने यहां से अच्छा इधर देखते हैं नेक्स्ट, और एक और होता है टू और मोर,
टू और मोर. तो इसमें कहता है डिडैक्टिक मेथड. डिडैक्टिक मेथड के अंदर क्या मतलब है, यहाँ पर अब दो से ज्यादा लोग भी आ गए. आप ये समझ पा रहे हो, डायड या फिर डायड, इसका मतलब क्या है, ओनली टू. लेकिन डिडैक्टिक, डिडैक्ट इसका मतलब है दो या दो से ज्यादा लोग आपस में बातें करते हैं. ठीक है, ठीके? अगर मैं नॉन लिविंग थिंग लाइक मग पेंसिल से स्टार्ट हो गए तो फिर वो तो दिमाग के हल होता ही होगा ना, फिर वो ट्रांसपर्सनल ही होगा जी. ठीक है, इसको और क्या क्या बोल सकते हैं, डायलेक्टिक, सोक्रेटिक मेथड्स, डायलेक्टिक, डायलॉजिक, इसका मतलब डायलॉग मारना है. डायलॉजिक शब्द का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में बातचीत कर सके, मैं बात कहूं आप रिप्लाई कर सको, ऐसा होता है. कोई और करे तो यार इशिका तो महान ही है, कहती अगर मैं ऐसा करूं तो मैंने कहा दिमाग का लोचा होगा, कहीं कोई और करे तो भी दिमाग का लोचा होगा. ठीक है, पढ़ लू हानी तो दुनिया में कोई भी ऐसी बात करे चलो दिमाग का लोचा, नहीं तो उसको ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं. ये कैसी बातें हुई. सो ये एक डिस्कोर्स है बिटवीन टू और मोर पीपल होल्डिंग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, अब इस टॉपिक से सारे आगे बढ़ो. और क्या, सीधी बात पागल करने को एड्रेस दे दो. या तुम ये बनी बात सुनो, डिडैक्टिक, डायलेक्टिक, डायलेक्टिक, डायलॉजिक, सोक्रेटिक, एडवेंचर, इन सब का मतलब क्या है, टू मोर पीपल टॉक विथ ईच अदर. ठीक है, सोक्रेटिक, एलेंचस मैथ. अरे भाई ये शब्द किसने दिया था, इसी को हाँ ये दिया ही सोक्रेट था. सोक्रेट क्या कहा था कि आप दूसरे के साथ बातचीत करना है, डिस्कशन करना है, ऐसा कहा. वॉइस ब्रेक या सबकी भंगड़ा डाल लेते हैं फिर, रुको मैं क्लियर करके आऊं. आगे जी, अच्छा चलिए लिसन केयरफुली. सो फ्रेंड्स, सोक्रेटिक मेथड क्या होता है, सोक्रेटिक मेथड में क्या होता है, एलेंचस मेथड. हाँ ये ना सोक्रेटिक पर्सन का नाम है, इन्होंने दिया था. और इसके अंदर वो कहते हैं कि ना हमें एक दूसरे के साथ डिबेट करनी होती है, बातचीत करके एक दूसरे के साथ एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर करके हम कोई रिजल्ट निकालते हैं, इस वजह से इसको एलेंचस मेथड भी बोलते हैं. डायलॉग्स मारते हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हो, हम एक दूसरे के साथ डायलॉग्स मार रहे हैं. ठीक है, तो इसलिए इसको सोक्रेटिक मेथड कहेंगे. हिंदी में इसको इनको सुकरात भी कह सकते हैं. ठीक है, और वैसे सोक्रेट भी कह सकते हैं, दैट इज डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश एंड हिंदी. सुकरात हिंदी में कहते हैं, पर्सन का नाम है वैसे. सो फ्रेंड्स, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में मैं सम अप कर देती हूँ कि एक होता है हमारा 0 and 1, या फिर मतलब ओनली टू पीपल बात कर रहे हैं. ठीक है, जिसको अरे लाइट चली गई, आ गई है अब. अच्छा वो आई तो नहीं, खैर इन्वर्टर स्टार्ट हो गया है तो वो झटका खाता है थोड़ा सा. ठीक है, सो टू और मोर देन टू, अभी लाइट गई हुई है, इन्वर्टर चल रहा है, थोड़ी देर बाद दोबारा आएगी, दोबारा झटका खाएगा, समझे, मैंने पहले बता दिया. अब सुनो, टू और मोर पीपल जब आपस में बात करते हैं तो उसको डायलेक्टिक, ठीक है, और मैंने बहुत सारे नंबर बता दिए थे यहाँ पर लिख दिए मैंने, तो ये सब कुछ कहते हैं. इंटरपर्सनल
इसको क्या कहते हैं, डिडैक्टिक भी बोलते हैं. यस. सो अब हम डिस्कस करते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन. ग्रुप कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का ही एक हिस्सा है, लेकिन उससे ज्यादा रिफाइन. ये इंटरनेट को थोड़ा सेटल होने में समय लग रहा है. लिसन, ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है? ग्रुप कम्युनिकेशन बेसिकली दो या दो से ज्यादा लोग आपस में ग्रुप में बातचीत करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस है तो बिजनेस भी ग्रुप कम्युनिकेशन में आता है, क्लासरूम भी ग्रुप कम्युनिकेशन में आता है. क्योंकि ये इंटरपर्सनल से थोड़ा ज्यादा क्यों हुआ? बिकॉज क्लासरूम एक प्लेटफॉर्म मिला. प्लेटफॉर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग. स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है. तो हमें एक स्कैफोल्डिंग, चलो ठीक है. हाँ जी, इसका मतलब कि एक प्लेटफॉर्म मिला. हाँ जी, डिडैक्टिक भी हो गया. हाँ, उसका एक रिफाइंड फॉर्म है. यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म होना जरूरी है और एक मुद्दा, कॉन्टेक्स्ट होना जरूरी है. जैसे हम यहाँ पे स्टडी करने आए हैं, वहां हम बिजनेस करने आए हैं, वहां हम एक मीटिंग करने आए हैं, वहां पर वेबिसोड करने आए हैं. तो एक चीज क्या होती है, ग्रुप कम्युनिकेशन. ऑर्गेनाइजेशन, क्लब या क्लासरूम्स, इन सभी में ग्रुप कम्युनिकेशन होता है. बिकॉज उनका कोई ना कोई रीजन होता है. आप जिम करने गए हैं, वहां पर भी जिम रीजन है. वाई यू आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, ठीक है, वो भी फिर ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया. कोई एक रीजन होगा क्यों हम वहां पे बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं. एक जगह होगी जहां आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन. तो उसको ग्रुप कम्युनिकेशन बोलते हैं. जी. सो इस तरीके से ये इंटरपर्सनल से अलग भी है. अब आते हैं ग्रुप कोहेशन. ग्रुप कोहेशन में क्या होता है उसको पता, फोटो खींच लिए, बाकी सारे नॉर्मल है. अच्छा, ग्रुप कोहेशन का मतलब कि जब हमें ग्रुप कम्युनिकेशन करना है तो फिर वर्क टुगेदर, तो हमें साथ मिलके काम करना होगा मोर इजीली, तभी हम एक दूसरे के साथ पॉजिटिव फील के साथ काम कर सकते हैं. यस. ग्रुप कोहेशन का मतलब कि साथ काम करना. अब ग्रुप कम्युनिकेशन में ना एक प्रॉब्लम भी आती है, इतने सारे लोग हैं, ठीक है, हो सकता है इसमें एक बंदा सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए गया है, कोई काम तो कर नहीं रहा, बाकी सब कोई काम करने लग रहे हैं. ऐसे कभी कभी होता है, क्योंकि उसको पता है भाई अगर इस ग्रुप में से किसी ने भी अच्छे से काम कर लिया, हाँ, तो फिर उससे क्या होगा, उसे इसको भी सैलरी मिली जानी है, क्योंकि ये उसमें हिस्सेदार था. ऐसे सोशल लॉफिंग इज फिनोमिना ऑफ पर्सन एक्सर्टिंग लेस एफर्ट टू अचीव गोल व्हाइल व्हेन दे आर इन टीम. जब ये टीम में होते हैं तो कम एफर्ट डालते हैं, तब कम एफर्ट डालते हैं, काम ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं काम करूं ना करूं, अगर ग्रुप में बाकी लोग काम कर लेंगे तो भी हमारा ग्रुप जीत ही जाएगा, जीतना होगा तो, और उसका हिस्सा मुझे मिल जाएगा, ऐसा, ठीक है. और जबकि अगर इसको अकेले काम करना हो तो अच्छे से काम कर लेता है. क्यों अकेले काम कर लेता है? क्योंकि तब तो इसी ने काम किया तभी काम बनेगी ना, नहीं किया तो नहीं मिलेगा इसको बेनिफिट. तो मतलब इसको लगता है जैसे अंताक्षरी हम खेलते हैं, उसमें होता ना कि कुछ लोग गाने गा रहे हैं एक दो, और बाकी लोग तो बस ऐसे क्लैप ही कर रहे हैं, मजे ही ले रहे हैं, धुनी बना रहे हैं साथ में बस, ठीक है. सो असली मेहनत किसी एक या दो लोगों की होती है ग्रुप में से. तो सिमिलरली ये इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं काम करूं ना करूं, क्योंकि अगर वर्क हो जाएगा तो इसको भी उसका बेनिफिट मिल ही जाएगा, या फिर अगर वर्क हो गया तब भी कौन सा इसको कोई वाओ तुमने बहुत अच्छा किया ऐसा करेगा, इसकी अहमियत उतनी की उतनी ही रहेगी. लेकिन ये पिक मैंने नहीं बनाया है. लेकिन अगर ये पर्सन अगर मैंने बनाया था तो सारे ऐसे होते ऐसे क्योंकि मैं ऐसे बनाती हूँ, ठीक है. इसलिए वो चल रही है नहीं चल रही शायद. अच्छा, मेरी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पर्सन जब अकेले काम करता है तो अपने फुल एफर्ट डालता है, ठीक है, क्योंकि इसको दिख रहा है अगर इसने काम नहीं किया तो फिर अच्छा मिल गया आपको, वेरी गुड, तो फिर इसको कुछ नहीं मिलेगा.
हाँ जी आ गया आप, आज बार बार स्टक हो रहा है, अच्छी बात है। सुनो फिर, ये दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब किसी को ऐसा है जिसको सोशल लॉफिंग शब्द समझ नहीं आया? सोशल लॉफिंग का मतलब कि नजरअंदाजी करना ग्रुप में, और बाहर हो गया तो मतलब मैं अच्छे से काम करूंगा क्योंकि तब विजिबल होगा, दिखेगा मेरा एफर्ट्स, ऐसे ग्रुप में दिख नहीं रहा। ठीक है, हो गया, ये इसके अंदर की बात समझते हैं कि हमें सोशल लॉफिंग को रिड्यूस करना है तो कैसे करें, इससे कैसे बचे। ठीक है, इसको समझते हैं। हाँ, अच्छी बात नहीं है सोशल लॉफिंग। ठीक है, जिसने ये बोला कि डिस्टर्ब करती हूँ, कौन सी, अरे गोलू तुम पढ़ती क्यों नहीं हो? वैसे तुम ओह माय गॉड, अब और झटके पे झटका लग गए, आ गया। ठीक है, देखो हमें क्या करना चाहिए, सभी ग्रुप वालों को बोलना चाहिए कि कोलैबोरेशन, आपस में मिलके कार्य करें। ठीक है, कोलैबोरेट करें। देन कंटेंट, कंटेंट फोकस बनाना चाहिए, इंपॉर्टेंस बनानी चाहिए उस कंटेंट की। ठीक है, चॉइस, इंडिविजुअल आर मोर लाइकली टू ट्राई हार्डर इफ दे आर गिवन टास्क दे आर मोस्ट कंफर्टेबल विद। ठीक है, अगर चॉइस का मतलब कि मैंने, ये जो गोलू है ये भूतों से बातें कर रही है बस, इधर बात नहीं कर रही, तो इसको मैंने चॉइस दी कि भाई तुम्हें कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है, वो वाला काम कर लो तुम, तो इसका मतलब इसमें ये सोशल लॉफिंग करना कम होगा ना, फिर ये ढंग से काम करेगी। ठीक है, मिनिमाइज फ्री रेडिंग। फ्री रेडिंग शब्द का मतलब होता है कि आपको मैंने फ्रीली छोड़ दिया, जो मर्जी करो, लेकिन इस ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको उनको मिनिमाइज करना चाहिए कि अपनी मर्जी से कुछ भी करो, ऐसे बिल्कुल भी फ्री छोड़ दोगे तो कोई काम नहीं कर पाएगा ना ढंग से। इंडिविजुअल असेसमेंट, असेस कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर ये कर सकते हैं कि हाँ अच्छी बात है, इतने सारे बच्चे हैं, इन सबको कहो कि आपका 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 सबका इंडिविजुअल असेसमेंट होगा। इसका मतलब क्या है कि सबको अपना अपना योगदान देना जरूरी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा पीयर इवेल्युएशन, इनको कह दो जो काम नहीं करेगा बताना हमें। ठीक है, आपस में एक दूसरे को इवेल्युएट करने को बोल दो। एंड स्मॉल ग्रुप साइज, साइज को थोड़ा छोटा रखें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जैसे हमारी क्लास है इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन मैसेज वही 4-5 बच्चे कर रहे हैं मेरे को जो दिख रहे हैं, मतलब चलो 4-5 नहीं तो 15-20 का राउंड ले लेती हूँ मैं। ठीक है, जो मैसेज कर रहे हैं, ऐसा भी कोई बच्चा होगा जिसने स्टार्टिंग से अभी तक मैसेज किया ही नहीं। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। यस, तो इसलिए क्या करना चाहिए, करना ये चाहिए कि अगर हम ग्रुप साइज छोटा रखेंगे ना तो हर पर्सन दिखाई देगा, ऐसे बड़ी क्लास में दिखाई नहीं दे रहा, आधे बच्चे बिल में छुपे हुए हैं ऐसा ये बोला था मैंने। अब हम आते हैं मास कम्युनिकेशन, ऐसे पकड़ना थोड़ा मुश्किल है सबको। डायलॉजिक, डायडिक वाले स्लाइड बता दें। अरे डायडिक मतलब दो लोग, डायलॉजिक मतलब दो से ज्यादा लोग। ठीक है, मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन होता है कि लार्ज नंबर ऑडियंस से बात करना। कंटेंट का मतलब उनको, कंटेंट क्या होता है, टॉपिक, टॉपिक स्पेसिफिक कर दो, ऐसा टॉपिक कहो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगे काम आएगा। ठीक है, तो उसको रेलेवेंट बनाओ, वो कहाँ गया, वो ऊपर है। हाँ, मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि इट अकर व्हेन मैसेज इज सेंड टू लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, अगर हम ज्यादा लोगों को अगर मैसेज भेजेंगे तो उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, मतलब इसमें से किसी चैनल के थ्रू ही भेजना है, हमें कोई ना कोई चैनल बीच में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, मोदी जी की मन की बात। यस, टीवी के थ्रू, वो जो आवाज घूम रही होती है, ठीक है, लाउड स्पीकर्स कहते हैं उसको। हाँ, लाउड स्पीकर, माइक, न्यूज़पेपर, सैटेलाइट के थ्रू, रेडियो के थ्रू। ठीक है, तो इसका मतलब लार्ज लोगों को जो मैसेज हम भेजते हैं वो कोई चैनल होना बड़ा जरूरी है इसमें, भोपू के थ्रू। नॉट अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल रिस्पॉन्स और फीडबैक, हर पर्सन का फीडबैक दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, हाँ जी, पॉलिटिशियन की रैली भी आ जाएगी, वो मैं अभी बताती हूँ कहाँ आएगी। एक और वर्ड होता है, वो है पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन भी एक जगह से लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस तक है, लेकिन इसमें मास वाला मीडिया चैनल कंपलसरी नहीं है। तो मास मीडिया और पब्लिक कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है, ये एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन है, बीच में कोई ना कोई माध्यम है, चैनल है,
उससे सबको मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है। जैसे कि बीच में रेडियो है और सब ऑडियंस तक मैसेज जा रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? मास। जबकि हम बात करें, एक पर्सन है वो सीधे सबको मैसेज भेजे जा रहा है बिना उसके ऑडियंस के, तो उसको बोलते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन। आप कह रहे हो कि पॉलिटिशियन रैली कर रहे हैं, तो जो पॉलिटिशियन होते हैं वो एक जगह मंच पे आते हैं और यहाँ पर बैठे होते हैं, सारे अपनी अपनी बात कहते हैं इधर खड़े होकर, ठीक है, और ऑडियंस वहीं पर बैठी है, तो इसमें बीच में कोई मीडिया की बात नहीं है, सामने सामने इतने सारे लोग हैं, समझे। तो कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है? ये पब्लिक कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। सिमिलरली रेलवे, रेलवे का मैसेज किस लोगों के लिए है? एक जगह है रेलवे स्टेशन में जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं सभी में आवाज आ रही होती है, और वहीं के जो यात्री हैं उन्हीं के लिए है, ठीक है। सो इसलिए इसको क्या कहते हैं अगेन? पब्लिक कम्युनिकेशन। एयरपोर्ट, रेलवे वगैरह, कोई भी एक जगह पे एक पर्टिकुलर टाइप की ऑडियंस को कम्युनिकेट कर देना एकदम से, तो उसको बोलते हैं। ऑनलाइन क्लासेस, जो हमारी आज क्लास है ये किसमें आई बता दो? यहाँ आप सब्सक्रिप्शन से साथ आए हो, यहाँ ये फॉर्मली पढ़ाई हो रही है, ये ग्रुप कम्युनिकेशन में आएगी। मास में कहाँ से आ गई? अरे भाई ये ग्रुप कम्युनिकेशन है। यूट्यूब की क्लास में कोई भी कहीं से भी आए जाए, एंट्री नो बैरियर, एग्जिट नो बैरियर, वो होता है यूट्यूब वाली क्लास होती है, जैसे YT यूट्यूब वाली क्लास होती है, उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। जो क्लास रूम, ये हमारी ऑनलाइन क्लास रूम है या ऑफलाइन क्लास रूम है, ठीक है, या वेबिनार जो होते हैं, सेमिनार जो होते हैं, ये आपके ग्रुप में आते हैं, समझे। बिकॉज देयर इज प्लेटफॉर्म, देयर इज पर्पस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी भी और आपकी भी, ठीक है, इस वजह से। तो हो गया जी यहां तक। मास कम्युनिकेशन में क्या है? माध्यम होना बड़ा जरूरी है बीच में, पब्लिक में बिना माध्यम के भी चलता है, ठीक है। यस, हाँ, रेलवे इज पब्लिक, हाँ, और क्या पब्लिक ही तो हुआ वो, बीच में आपका चैनल के थ्रू मेरे को कहीं और से ऐसा थोड़ी ना करना पड़ रहा है, सीधे मैसेज भेज रहे हैं हम रेलवे स्टेशन पे ही, पूरे अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। मेट्रो भी ले लो तुम पब्लिक, और कोई बचा है? हाँ जी, तो अभी हमने ये सीखा कि कम्युनिकेशन कितने लोगों के साथ कर रहे हैं, 1%, 2%, मोर देन 2%, ठीक है। आपका मीटअप भी पब्लिक कम्युनिकेशन था, बिल्कुल, यस, पब्लिक कम्युनिकेशन था। मैम मास में फीडबैक नहीं होगा ना? देखो, फीडबैक अगर हुआ भी तो किसी एक या दो का दे दिया मैंने, सबको तो नहीं जवाब दे सकते, ठीक है। वहां पे भी माइक का यूज होता है, वो एक टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मैसेज कन्वर्ट होके बहुत ज्यादा ऑडियंस तक भी जा रहा है। रेडियो है, एक अलग चैनल का यूज किया जा रहा है वहां पर, जो माइक है वो बस वहीं पर आवाज पहुंचा रहा है, उसी एरिया में पहुंचा रहा है वहां पर आवाज, वो पब्लिक कम्युनिकेशन ही है, ठीक है। वो सिर्फ उसी एरिया पे अपनी आवाज बस तेज पहुंचाने के लिए ही है। ऐसे तो क्लासरूम में भी माइक लगाते हैं आजकल, हमने देखा नहीं है? नॉर्मल जो ऑफलाइन क्लास होती है उसमें भी माइक लगाते हैं। एक माइक टेक्नोलॉजी है सिर्फ, अपनी आवाज बस एंड तक के बच्चों तक पहुंचाने के लिए। पब्लिक में फीडबैक होगा, पब्लिक में मास कम्युनिकेशन जैसे ही सारी चीजें हैं, बट सबको रिप्लाई करना पॉसिबल फिर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस है, सिर्फ वहां पर चैनल नहीं है। टीवी क्या होगा? हाँ, टीवी मास कम्युनिकेशन हुआ, यस, ठीक है। YouTube भी मास कम्युनिकेशन हुआ, क्योंकि वहां पर YouTube का चैनल है, समझे, 12th में होता था। हाँ, WhatsApp क्या हुआ? WhatsApp में ब्रॉडकास्टिंग होती है एक, ठीक है, उसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं। टेलीग्राम में जो चैनल होता है उसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं, लेकिन WhatsApp में ग्रुप होता है उसको ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं, समझे। अरे कितने डाउट है मेरे को, दिखाई भी नहीं दे रहे, किसका पढ़ू मैं? हाँ, हो गया ना, बस बहुत है। अब हम अलग तरीके से कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़ेंगे। तन्नू क्या कह रही है, दिखाई नहीं दे रहा। मैम जब पब्लिक कम्युनिकेशन में न्यूज चैनल इन्वॉल्व हो जाए तो वो मास बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे पॉलिटिशियन की रैली को टीवी पे प्रसारण किया जा रहा है, तो वो मास बन जाएगा। अच्छा, सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे ऑन बेस्ड ऑन मीडियम एम्प्लॉयड के माध्यम कैसा वाला हम यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे देखते हैं।
इसमें क्या होता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि शब्दों का यूज करना, ठीक है, वर्ड्स का यूज करना। वर्ड कैन बी रिटन, वर्ड कैन बी स्पोकन, बोलने वाले वर्ड भी हो सकते हैं, रिटन वर्ड्स भी हो सकते हैं। स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, थिंकिंग, इन सबको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। देखो भाई ये बात सुनो, वर्बल वर्ड कैसे आया है, वर्ब मतलब वर्ड से, सिर्फ अ वर्ड बोल के भी बोले जा सकते हैं और लिख के भी बोले जा सकते हैं, ठीक है। जब आप सोच रहे हैं, जब नॉर्मल चीजें सोच रहे हैं, तो मेरे को एक नहीं आधे मिनट का साइलेंस ले लो, शांति, थिंक एनीथिंग, सोचो। क्या अब बताओ मुझे क्या सोचा? डायनासोर? क्या डायनासोर की आवाज आई थी बीच में से? मतलब या क्या आपने सोचते हुए ये बोला कि ये डायनासोर है, ये वो है? क्या आपने शब्द भी बीच में यूज किए थे, स्काई, ये लड़का है, लड़की है, सन है, हाथी है, कुछ तो बोला होगा मेरे बारे में, मतलब कुछ आवाज आई होगी, ठीक है। तो जब हम सोच रहे हैं तो सोचने में भी कुछ शब्द का यूज हो रहा है, ठीक है। बिना शब्द के हम, ऐसा नहीं होता कि हम नहीं सोच रहे। अगर आप कह रहे हो कि मैं बिल्कुल ब्लैंक था, तो ब्लैंक था तो सोचा ही नहीं आपने भाई, आपने सोचा ही तब जब कुछ वर्ड आए, कुछ वर्ड्स को बीच में लिया, ठीक है। हाँ जी, मास और पब्लिक में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, मास कम्युनिकेशन में बीच में चैनल है, जैसे कि रेडियो, टीवी, इंटरनेट, ठीक है। लेकिन जो पब्लिक कम्युनिकेशन है वो एक जगह से लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को वही के वही भेज दिया जा रहा है उसी जगह पे, जैसे रेलवे, एरोप्लेन वाले जो पोर्ट होते हैं वहां पे, ठीक है, कोई अनाउंसमेंट हो रही है, तो ये सारी चीजें पब्लिक कम्युनिकेशन में आ रही है, जनरल पब्लिक के लिए होती है वो। थिंकिंग इंट्रापर्सनल हो गया ना, जब मैं यहाँ कह रही हूँ मैंने मेथड ही चेंज कर दिया है, वो इंट्रापर्सनल हो गया, वो पिछली बात थी, बेस्ड ऑन मीडियम, माध्यम के हिसाब से देख रही हूँ मेरे को कौन सा यूज कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ तरीका अलग हो गया है, वो भी है, ऐसा भी हो सकता है ये वाले उनमें भी हो। अब ये नहीं कह सकते कि ये वाले उनसे अलग है, वो अलग तरीके से हम ले रहे थे कि कितने लोग इन्वॉल्व है, यहाँ पर मीडियम कैसा यूज किया है, समझे। मीडियम मतलब वर्बल मीडियम, मतलब शब्दों वाला मीडियम, ठीक है। एंड नॉन वर्बल मतलब जिसमें हम वर्ड नहीं बोल रहे, हम इशारे कर रहे हैं, साइन, इशारे, मेरी आंखें चपकना, ठीक है, पिक्चर्स, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, स्मेल कर पाना, तो ये होता है नॉन वर्बल। एंड पैरा लैंग्वेज को भी हम इसी के साथ ही कंसिडर कर लेते हैं। पैरा लैंग्वेज होता है आवाज, वर्ड तो मैं बोल ही रही हूँ, वर्ड तो मैं बोल ही रही हूँ, लेकिन इन सभी वर्ड्स को मैंने जब ऊपर नीचे नोट करके बोला तो मतलब अलग अलग निकल रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो डिफरेंस आ रहा है वो है पैरा लैंग्वेज, ठीक है जी। स्पेशल मतलब दूरियां, कितनी दूरी मेंटेन कर रहे हैं। बाकी नॉन वर्बल हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब ज्यादा पढ़ेंगे ढंग से। देखो एक होता है पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज शब्द को उच्चारण करने का तरीका, द वे ऑफ, मतलब यहाँ पर वोकल मतलब वे या टोन होती है बोलने की, ठीक है। वर्ड सेम है, जब मैं वर्ड बोल रही हूँ दैट इज वर्बल, लेकिन वर्ड को अलग तरीके से बोल रही हूँ तो वो क्या हो गया, वोकल, मतलब कि पैरा लैंग्वेज, मतलब नॉन वर्बल में आएगा वो, ठीक है। वे ऑफ स्पीकिंग, जैसे कि वॉइस का टाइप या वॉइस की क्वालिटी कैसी है, बीच में आवाज ब्रेक हो रही है, या फिर मैंने किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर स्ट्रेस दिया, मैंने नॉर्मल रिदम में चलाया, या फिर फुसफुसाया या बहुत ज्यादा चिल्लाया, ठीक है। लाफ्टर, कफ, खांसी करना, तो ये सारी चीजें हमारी क्या आ गई, धीरे धीरे बोला, बहुत अच्छा हो रही हूँ, तो ये सारी चीजें पैरा लैंग्वेज में आती है, वोकल्स में आती है। नॉन वोकल में क्या आता है, इशारे। काइनेसिक्स का मतलब बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज में भी। मैक्रो का मतलब कि ऑल ओवर, फुल बॉडी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन रॉन्ग इन बुक, वर्बल कम्युनिकेशन इज कॉपीड बाय मिस्टेक, क्या कह रहे हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन ही हो गया उसके अंदर। अच्छा ठीक है, मैं उसको देख लूंगी फिर। सो नॉन वर्बल में क्या आएगा, बॉडी लैंग्वेज वगैरह ये सब चीजें, जैसे आ गया यहाँ पर काइनेसिक्स,
ठीक है, ये सब आ गया। ठीक है, मैंने नोट कर लिया, मैं उसको देख के फिर अगर कोई करेक्शन होती है तो वो सप्लीमेंट में करेक्ट कर देती होती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि दिस इज जस्ट ह्यूमन मिस्टेक। हाँ जी मैम, जो यूनिट रिपीट नहीं होगी उनकी प्रीवियस से क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, उन यूनिट के लास्ट क्लास में, ठीक है। हाँ जी, अब हम देखते हैं माइक्रो काइनेसिक्स। माइक्रो का मतलब होता है सिर्फ कुछ ऐसे मूवमेंट जो बहुत फास्ट होते हैं, क्विक होते हैं और छोटे लेवल के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, फेस में स्माइल कर रही हूँ, पलक झपक रही हूँ, ठीक है, तो इसको बोलते हैं माइक्रो काइनेसिक्स। बहुत ही क्षणिक होते हैं, मोमेंट्री होते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे करके आपको घूरा, डायरेक्शन ऑफ गेज, ये सब चीजें आती है यहाँ पर। जबकि फिजिकल रिएक्शन क्या होते हैं, फिजिकल रिएक्ट करना, ब्लश करना या एकदम ही पीले पड़ जाना, ठीक है, पेल हो जाना, ये सब आर्टिकुलेशन होता है। शब्दों का उच्चारण सही से कर पाना, सही से आर्टिकुलेट कर पा रहा है कि नहीं पर्सन। अगर मैं कभी कभी मुझे खा जाती हूँ तो फिर आगे चलती हूँ मैं, इसका मतलब मैंने जो कुछ बोला वो मुंह से वर्ड निकले ही नहीं, या ढंग से नहीं बोले मैंने, जिसकी वजह से आपको मतलब समझ नहीं आ रहा। कभी कभी हम बहुत फास्ट बोलते ना तो आधी चीजें मुंह में खाई जाती है, ठीक है, सुनाई नहीं देता। महान, वही तो आर्टिकुलेशन की खराबी थी, सुनाई नहीं दिया। मैं एग्जाम्पल दे रही थी तुम्हें। अब आते हैं आगे, आउटवर्ड अपियरेंस का मतलब होता है कि फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, जैसे किसी की ड्रेसिंग सेंस, ठीक है, तो बाहर से कोई पर्सन कैसा लग रहा है उसको बोलते हैं। तो ये सब नॉन वोकल या नॉन वर्बल हो गए प्रॉपर। अभी आगे ये सारी चीजें वो डिटेल में भी आएंगी, ठीक है। 1981 में अल्बर्ट मेहराबेन ने कुछ रूल्स दिए थे कम्युनिकेशन के। वाइल कम्युनिकेटिंग हम क्या करते हैं, वर्बल का मतलब है जिसमें हम शब्द को यूज करते हैं, तो शब्द को यूज कैसे करते हैं, व्हाट वी से, तो एक्चुअली 7% ही यूज करते हैं। जिसको समझ नहीं आया मैं सबको बोल चुकी हूँ, आगे पूरा टॉपिक आएगा, ठीक है। और वैसे मैंने एग्जाम्पल ही दिया था आर्टिकुलेशन का, तुम्हारे भेजे मैंने घुसते तो पूरा आएगा, तब सुनना। पैरा लैंग्वेज क्या होता है, वो होती है टोन, कैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा। तो ये एक्चुअली जो टोन होती है वो 38% तक यूज करते हैं। देखो अभी मैंने पढ़ाते पढ़ाते जब ज्यादा पर्सन बोलने लगे, नहीं आया, रिपीट रिपीट रिपीट, तो मैंने क्या बोला, तेज बोला कि तुम सुन जाओ, सुधर जाओ, सुन लो ध्यान से। नॉन वर्बल क्या हो गया, एक्सप्रेशन, इसको होता है जैसे मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ, इशारे कर रही हूँ, ठीक है। आप कह रहे हो फिजिकल ड्रेसिंग सेंस हो गया, फिजिकल मतलब जो दिखता है सामने उसको फिजिकल बोलते हैं, तो ये 55% तक लोग यूज करते हैं, ठीक है। हाँ जी मैम, मैं एक अच्छा एग्जांपल दूं आर्टिकुलेशन का, सब समझ आएगा। हाँ तो दे, तो उसमें पूछना पड़ता है, तो ये आपको समझ में आ गया 7, 38 and 55, और कुल मिला के ये देख रहे हो आप वैसे ज्यादा हिस्सा है जो दोनों ही कभी कभी हम नॉन वर्बल ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ये वाला पोर्शन क्या है, ओनली वर्बल। 38 क्या है, गले का तरीका, ठीक है, ऐसे वोकल, एंड ये प्योरली नॉन वर्बल है, समझे। अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना हो तो एक्चुअली पैरा लैंग्वेज और नॉन वर्बल अलग है, ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ मुझे सिर्फ दो ही चीजें बोलनी है, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है, तो फिर हम इन दोनों को एक में ले लेते हैं। बट वैसे तीन होते हैं, वर्बल, पैरा लैंग्वेज, नॉन वर्बल, ठीक है। वर्बल वर्ड, पैरा लैंग्वेज, उन्हीं को आवाज में फ्लक्चुएशन लेकर आना, एंड जो आपका है नॉन वर्बल, इसके अंदर इशारे होते हैं या बिल्कुल जेस्चर्स वगैरह, ये सब। हाँ जी ठीक है, चलो इधर ध्यान दो। मेटा कम्युनिकेशन, मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें 55 का क्या मीनिंग हुआ, अरे इसका मतलब ये हुआ कि टोटल हम फुल कम्युनिकेशन जो करते हैं ना, उसमें से ओनली 7% क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन। उसमें से टोटल में से 55% हम इशारे वगैरह देखते हैं, ठीक है, और 38% जो होता है वो आवाज टोन वगैरह से आता है, समझे। हाँ जी मैम, वर्बल क्वेश्चन कैसे आते हैं, अरे यार जो इसका एग्जाम है कंसेप्ट वहीं से आएंगे ना, कि 7% है, 38% है, कि 35% है, अब इसका कुछ और बना के दूं मैं, हद होती है। इसमें एक्सप्रेशन वगैरह होते हैं। अब ऑप्शन में बहुत सारे आए हुए हैं, 1/3, 2/3, 50%,
तो आपको अराउंड अबाउट बताना है नॉन वर्बल का कौन सा हिस्सा है, एग्जैक्ट नहीं बनेगा। तो फिर अराउंड अबाउट सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा दिखाई दे रहा है इसमें नॉन वर्बल का, 2/3 आ गया यहाँ पर। तो ये अपना दिमाग पेपर के हिसाब से लगाना पड़ता है कि कितना परसेंट तक आता है नॉन वर्बल का पोर्शन। ठीक है, हाँ जी, मेटा कम्युनिकेशन को समझते हैं मैम। एक्सरसाइज तो नॉन वर्बल है। हाँ देखिए, मेटा कम्युनिकेशन में क्या आता है, इसका मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा कम्युनिकेट करना। ठीक है, कम्युनिकेशन बियॉन्ड। सो जैसे कि अगर मैं सिंपल सी बात बोलूंगी, डू नॉट एब्सेंट टुमारो, कल एब्सेंट मत होना, तो फिर इसका कोई पर्सन सिंपल समझ सकता है कि हाँ ठीक है मुझे कल एब्सेंट नहीं होना। कुछ बच्चे क्या जवाब देंगे, मैम क्यों कल एब्सेंट क्यों नहीं होना, कुछ है ये बोलेंगे महान कि नहीं पहले बता दो क्यों, ऐसा बोलेंगे ना। तो इसका मतलब उनको लगेगा कि मैं क्या लेट आता हूँ या कुछ अलग होने वाला है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकालेंगे वो एक ही शब्द के। तो ये हो गया कम्युनिकेशन, तो भाई नॉर्मल है। मैंने जस्ट अनकॉन्शियसली का मतलब क्या होता है, बिना किसी किसी को नीचा दिखाने के लिए या बिना किसी टोन मारने के नजरिए से जस्ट सिंपल सी बात कही कि कल लेट मत आना या कल एब्सेंट मत होना। ठीक है, लेकिन सामने वाले ने हो सकता है उसका अलग मीनिंग निकाल लिया हो, तो मॉडिफाई कर लिया, तो उसको बोलते हैं मेटा कम्युनिकेशन। स्पीकर के खुद के जो शब्द हैं वो अन इंटेंशनल किसी को कुछ अलग मीनिंग निकालने वाले नहीं है। हम नॉर्मल सी बात कर देते हैं तो कोई पर्सन अलग ही मीनिंग निकाल के बैठ जाता है। तो एक्चुअली जब उसने मीनिंग निकाला है, मीनिंग निकालने को क्या बोलते हैं, सिमेंटिक। ठीक है, मीनिंग डिराइव करने को बोलते हैं सिमेंटिक। लेकिन उसने मीनिंग रॉन्गली डिराइव किया तो फिर क्या गया, सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिकली मीनिंग सही नहीं निकाला, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे मेटा कम्युनिकेशन हो गया। उसका रिजल्ट क्या है, मेटा कम्युनिकेशन। फ्लैटरिंग रिमार्क्स, आई हैव नेवर सीन यू सो स्मार्टली ड्रेस। आप एकदम से कहो मैम मैंने आपको कभी भी इतने अच्छे से वेल ड्रेस, या फिर मैंने आपको कभी भी इतना सुंदर नहीं देखा। ठीक है, इसका मतलब अब मैं ये भी कह सकती हूँ कि ठीक है आज अच्छी लग रही होंगी, या ये भी कह सकती हूँ अच्छा मतलब मैं रोज बेकार लगती हूँ, बेकार लग रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग भी निकाले जा सकते हैं। हाँ जी, मैंने भी कहा आपने नहीं देखा, हाँ तो मैं मेटा कम्युनिकेशन कर देती। जुरैन रोश और गैरी बैटिसन ने मेटा कम्युनिकेशन की टर्म निकाली थी। ठीक है, कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के ऊपर कम्युनिकेशन, ऐसा। मेरा गूगल अच्छा है, अच्छा अगर आप ये बोलते ना मैम आपका आज वाला गूगल अच्छा है, तो इसका मतलब कि अच्छा मतलब मैं वैसे मैं बेकार पहनती हूँ, तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, मेटा कम्युनिकेशन हो जाता। ठीक है, हो सकता था, मतलब देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मेटा कम्युनिकेशन। सो इन्होंने एक बुक लिखी थी सोशल मैट्रिक्स ऑफ साइकेरी, इसके अंदर लिखा था जी। ओके जी, कोई बात नहीं, समझ आनी चाहिए, समझ आ गई। तो ये जो बैटिसन ने दिया है ना मेटा कम्युनिकेशन, आज मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, मतलब मैं रोज बेकार पढ़ाती हूँ, ठीक है, तभी ना आजकल ये लैंग्वेज चेंज हो गई है। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल एज यूजुअल, मेरे खुद के कभी फ्रेंड्स मैसेज करेंगे ना कभी, तो साथ में एज यूजुअल जरूर लगाएंगे, ये कभी लेने का देने ना पड़ जाए कि आमतौर पर जैसे लगती हो वैसे। ऐसा पढ़ा चलता था भी। देखो भी, बैटिसन इज टाइपिकली सेड टू हैव इन्वेंटेड टर्म, उन्होंने टर्म इन्वेंट की है बैटिसन ने, लेकिन इन्होंने इसका जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो किसको दिया है, अपने गुरु को। उनके गुरु कौन थे, बेंजामिन ली वॉफ, इनको। ठीक है, एक बात के मीनिंग और निकालना। हाँ जी नवनीत, तुम्हें मेटा कम्युनिकेशन समझ नहीं आया, एक बात के डिफरेंट मीनिंग निकालना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेटा कम्युनिकेशन। मतलब कि सिमेंटिक बैरियर हो गया, उसका मीनिंग निकाल नहीं पाए हम ढंग से, कुछ का कुछ समझ लिया ऐसे। ही सो नो डिस्टिंक्शन इन टाइप ऑफ मेथड। अच्छा, इसमें ही क्या कहते हैं कि मेटा कम्युनिकेशन कुड, एवरी मैसेज कुड हैव मेटा कम्युनिकेशन। इनके कहने का तात्पर्य है कि अगर सिंपल से सिंपल बात भी हम कहेंगे ना, किसी को उल्टा मीनिंग निकालना है वो निकाल ही लेगा। ठीक है, सो हर एक मैसेज का मेटा कम्युनिकेटिव एलिमेंट होता ही है, ऐसा। ठीक है, क्या है बैक स्लाइड में, हो गया पूरा नाम है उनका।
पॉजिटिव एंड नेगेटिव अप्रोच. यस, एक मूवी भी आई थी गोविंदा की, वो कहता है कि चैलेंज करता है किसी को कि आप कोई भी सेंटेंस बोल दो, मैं उसको बिगाड़ के दिखा दूंगा. ठीक है, एक्चुअली वो बहुत ही पुरानी मूवी है, पता नहीं हमें दिखी नहीं. और जो भी कोई सामने वाला बोलता है उसको उसके साथ अलग ही वर्ड निकाल जाता है, और वो वर्ड होता है खटिए पे. उसको बिगाड़ देता है वर्ड को. तो भी क्या है, मेटा कम्युनिकेशन. सो सम मेटा कम्युनिकेटिव सिग्नल्स आर नॉन वर्बल. अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेटा कम्युनिकेशन जो है वो वर्बल है कि नॉन वर्बल है. एक दोस्त है, वो हमेशा मेटा कम्युनिकेशन ही करती है. अच्छा, एवरी मैसेज शुड हैव, कुड हैव, मतलब हो सकता है कि उसे मेटा कंसेप्ट किसने दिया है, किसे माने, किसने दिया उसे मानेंगे. अभी तक समझ नहीं आई. अब देखो, अगर तुम्हें समझ में नहीं आई, इसका मतलब यहाँ पर फिर क्या हो गया, मेटा कम्युनिकेशन, मीनिंग सही नहीं निकाला तुमने. मैंने साफ साफ बोला है, मैंने तो कोई झोल नहीं रखा वहां पर. कंसेप्ट किसने दिया था बताओ, रोशन बैटेसन ने दिया था, लेकिन उसने क्रेडिट किसको दिया. क्रेडिट देना और कंसेप्ट देना अलग बात है कि नहीं. उन्होंने श्रेय दिया है उसका, उन्होंने इज्जत दी है उनको. बस नॉन वर्बल कैसे है बताओ. देखो भाई, वर्ड तो वही है, लेकिन हमारे सोच की खराबी है वो. हमने थिंकिंग लेवल पर जाके कुछ का कुछ मीनिंग निकाल लिया. तो वो जो थिंकिंग लेवल पे जाके अगर सेम मीनिंग निकालते तो वर्बल ही होता. बोला कुछ, समझा कुछ, तो उसको क्या बोल दिया हमने, फिर नॉन वर्बल. उसके अलावा अलग काम किया आपने. ठीक है, काइनेसिक्स, बॉडी लैंग्वेज का भी कभी कभी डिफरेंट मीनिंग कोई ना कोई निकाल लेता है. यस, कि कोई पर्सन ऐसा क्यों खड़ा था, जरूर ये कुछ सोच रहा होगा, जरूर इसका कुछ हुआ होगा, है ना. तो ऐसा करके भी मीनिंग निकाल लेते हैं. सो मेटा कम्युनिकेशन हो गया. हाँ जी, अब हम देखेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन. जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ये क्या होता है, फॉर्मल होता है नॉर्मल, जो फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड होते हैं तरीके, उनसे. इसके अंदर आता है डाउनवर्ड, अपवर्ड, हाँ जी, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल. डाउनवर्ड का मतलब आप फॉर्मली, मैं आपकी एडुकेटर हूँ, आप मेरे लर्नर हो, तो मैं आपको बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया. ठीक है, अब फॉर्मली आप मेरे से क्वेश्चन भी पूछते हो, तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया. डाउन भी हो गया, अपवर्ड भी हो गया. जब मैं एक्चुअली मैंने टेढ़ी बना दी ना लाइन, तो ज्यादा समझ नहीं आएगा. ये लो ऐसे, एडुकेटर एंड लर्नर. ठीक है, अब सीधी है भाई, इधर से डाउन हो रहा है, उधर से अप हो रहा है. ये इन दोनों को अगर मिला दूं तो ये कैसा कम्युनिकेशन है, वर्टिकल. ठीक है, अप डाउन, डाउन अप, ये वर्टिकल शेप होती है, ये ऐसी वाली शेप है. ठीक है, इन दोनों को मिला दे, टॉप डाउन एंड बॉटम अप दोनों मिलाकर होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन. अच्छा, अब ये दोनों हो गए हमारे, फिर हम आते हैं हॉरिजॉन्टल पे. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कैसा होता है, जब सेम लेवल के लोग आपस में बातें करते हैं तब उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं. समझे, जैसे कि लर्नर्स, लर्नर्स आपस में चैट में बातें कर रहे हैं. लेकिन एक पॉइंट और है बहुत समझने वाला, जो इस बार पेपर में भी आया था और पहले भी बहुत बार आ चुका है. हाँ, फ्रेंड टू फ्रेंड बात कर रहे हैं, पेरेंट्स पेरेंट्स लर्नर्स, बच्चे बच्चे बातें कर रहे हैं, वो ये कि जब हम डिस्कशन वगैरह करते हैं ना, या डायलॉजिक होता है जिसके अंदर डायलॉग्स वगैरह मारे होते हैं, मैंने बोलना है, कुछ बोलना है आपने, तो उसमें छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, उसमें सब सेम लेवल पे ही आ जाते हैं. तो फिर उसको भी हम हॉरिजॉन्टल बोल देते हैं. ठीक है, जैसे आपने और मैंने मिलकर एक प्रोजेक्ट सॉल्व करना है, तो हम लोग सेम लेवल पे ही तो आ गए. अब ऐसा थोड़ी ना बार बार देखेंगे, नहीं मैं तो टीचर हूँ, वैसे तो ऐसी बात करनी थी. ठीक है, जस्ट नॉर्मली हम एक टॉपिक को सॉल्व करने आए हैं, उसको सॉल्व करेंगे, बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो ऐसा करके चलता है, डिस्कस करना है. और क्या होता है आपका, हाँ, हॉरिजॉन्टल को ही लेटरल भी बोलते हैं. ठीक है, ये इसका ही दूसरा नाम है, लेटरल. गुड, सो ये क्या समझ में आपको, वर्टिकल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल ऐसा. और डायगोनल का मतलब क्या होता है, कि अलग अथॉरिटी से अगर हमने बात करी, जैसे कि यहाँ पर एक एम्प्लॉई है और वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का है,
लेकिन उसको अपनी सैलरी की बात करनी है तो डायरेक्टली एचआर डिपार्टमेंट के पास चला जाता है। वैसे इसको जाना कहाँ चाहिए था, जाना चाहिए था इसको पहले अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, फिर एचआर के पास, लेकिन नहीं भाई, ये तो सीधा ही वहां निकल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने बाईपास करके सीधी स्ट्रेट एस्केलेट कर दिया। इसको ना लैंग्वेज अगर आप देखोगे, इसको एस्केलेशन बोलते हैं, मतलब वो सीधे अपनी बात कहने चला गया, मतलब शॉर्टकट में मारे उसने, ठीक है। यस, इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल, डायगोनल बोलते हैं। और ये कोई खराब नहीं है, ये फॉर्मल है, ठीक है, कि इससे क्या होता है, टाइम सेव हो जाता है, इसलिए क्रॉस हम चले जाते हैं तो उससे टाइम सेव हो जाता है। यस, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मान लीजिए कि एक प्रिंसिपल है, वो सीधा लर्नर से बात कर रहा है, जबकि टीचर आती है यहाँ पर और फिर लर्नर आता है, या लर्नर सीधा प्रिंसिपल के पास चला गया कोई बात कहने, ठीक है, परमिशन लेने। वही स्टूडेंट को परमिशन किससे लेनी होती है, अपने टीचर से लेनी होती है ना भाई, वो सीधे निकल के वहां पर। ऐसे टीचर जो है वो सीधे अपने जो पीएन है उसको कॉल करती है, या उसको बोलती है कि अब ये काम करना है, ये चीज लेके आना मेरे लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, डायगोनल। अब आपको समझ में आ गया कि आप पूरा स्टेप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसको फॉलो नहीं कर रहे हो, आप क्रॉस कर जा रहे हो, उसको बोलते हैं। देखती हूँ इसका वो कहाँ लिखा हुआ है, आगे होगा, अपर डाउनवर्ड हो गया, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, लेटरल हो गया सेम लेवल के लोग, एंड डायगोनल हो गया कि यूज टू स्पीड अप इंफॉर्मेशन फ्लो, इससे इंफॉर्मेशन फास्ट हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, अंडरस्टैंड कर पाते हैं हम एक दूसरे को, और ऑब्जेक्टिव फास्टली हम कर सकते हैं अचीव ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन फ्लो को इजी बनाने के लिए। तो अभी हम फॉर्मल का मतलब होता है जो हमारी पोजीशन की वजह से हमें एक ओहदा मिलता है, उसके हिसाब से हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ होता है इनफॉर्मल, इनफॉर्मल जो होता है वो फॉर्मल चैनल के साथ साथ चलते ही है। अब हमारी क्लास में बच्चे हैं, कुछ ऐसे होते हो सकते हैं जो आपस में इस चैट के थ्रू मिले हैं, एक दूसरे से बातचीत टेलीग्राम में कर ली और आपस में अच्छे फ्रेंड मिल गए। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही कि सभी ऐसी हरकतें करें, बट ऐसा हो सकता है, होता होगा। तो ये साथ साथ चलता ही है, ग्रेपवाइन। जैसे हम लोग कभी कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप नया नया बन जाता है, हर बार नए कॉलेज में आते हैं उधर और नया फ्रेंड सर्कल मिल जाता है हमें, ठीक है। तो ये साइड बाय साइड फॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ चलता है। इट इज नॉट ऑफिशियली सैंक्शन, या ऑफिशियली सैंक्शन नहीं होता, ऑफन इट इज इवन डिस्करेज, बल्कि इसको डिस्करेज भी किया जाता है, लुक डाउन अच्छा नहीं माना जाता है। इसको ग्रेपवाइन भी बोलते हैं, ग्रेपवाइन क्यों बोलते हैं बता दो। मैम सिमरन मेरी अच्छी फ्रेंड बन गई, अभी आएगी ना तो मैं पिटेगी, ये पता चलेगा। अच्छा देखो, जैसे कि ये ग्रेप्स है, अब इसकी जो शाखा है ना, कहीं पे भी निकलती रहती है, किसी भी तरीके से आगे आगे चलती रहती है, अनस्ट्रक्चर होता है। कोई भी किसी का भी फ्रेंड बन जाता है उसको बोलते हैं, ठीक है। पापा से न्यू स्कूटी चाहिए, पर मैम के थ्रू मांगा, हाँ पर मम्मी के थ्रू मांगा, यस यस, वो गया कब का, डायगोनल, बिल्कुल आगे समझ। तो ये पर्सन इसका फ्रेंड बन जाता है, तो इसको बोलते हैं अंगूर, ग्रेप्स, वाइन, मतलब उसकी शाखा, वीन होती है ये, इसकी जो ब्रांचेस होती है उसको बोलते हैं। अब आप देखोगे कि नॉर्मल बॉस है, वो आपस में एम्प्लॉयज आपस में गप्पे मार रहे हैं, पता नहीं किसी को तो चुगली कर रहे हैं, और वो उसको इन्वॉल्व भी नहीं किया, तब भी सुन के कान लगा के, ठीक है। अब ये बॉस है, बॉस अपने एम्प्लॉय से बिल्कुल आराम से मजे में बात कर रहा है। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आप लंच शेयर करते हो एक दूसरे के साथ, डिस्कशंस करते हो रबर कूलर्स के पास, मतलब ऐसा माना जाता है कि ऐसा कम्युनिकेशन ज्यादातर वाटर कूलर्स, हॉलवेज, रास्तों में ग्रुप बना बना के, लंच रूम्स में, ऐसे ऐसे जहां भी लोगों को टाइम मिले उस तरीके से गुट बना लेते हैं अपने, ऐसा फर्स्ट पिक फॉर्मल कैसे। अरे नहीं मैडम क्यूरी, वो नीचे वाले का है, इसका है वो, ये है फॉर्मल, ये है इनफॉर्मल, ठीक है, इसका है वो। तो ये वाली पिक जो है वो फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है। अब आगे समझ दिख रही है ना, ये फॉर्मल, आपस में मीटिंग हो रही है, ये सही तरीका है। अब ये गप्पे मार रहे हैं, मजे कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के मेन ऑब्जेक्टिव और पर्पस क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। ग्रेपवाइन, मैम नेटवर्क चला गया था।
अंगूर की शाखा जैसे कहीं पर भी निकल जाती है, वैसे ही इनफॉर्मल कभी भी किसी के भी फ्रेंड बन जाते हैं, ठीक है। ऐसा इनफॉर्मल मीन्स अननोन पर्सन भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, यस। और आपका नॉन पर्सन भी हो सकता है, लेकिन आपका वो बॉस लगता है, लेकिन आप बिल्कुल फ्रेंड की तरह गप्पे मारते हो, ऐसी बातें हो गई यहाँ पर, ठीक है। 1 मिनट का ब्रेक देते जाओ प्लीज, अभी हुआ नहीं था, नेटवर्क चला गया था, तो 3 मिनट का ब्रेक हुआ था तुम्हारा, ठीक है, चाहिए तुम्हें। चलो 1 मिनट पहले ये नॉन वर्बल खत्म करते हैं, फिर अगले पर्पस से पहले देखते हैं। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मेन पर्पस, अच्छा ये नया टॉपिक है, ओके मैं अभी आधे सेकंड आधे मिनट में मिलते हैं, सेकंड तो हाँ जी, हो गया सबका अच्छे से? चलिए अभी सुनिए फिर, ठीक है। हाँ जी, तो 1 2 3 रेडी? यस। ज्योति बुक के अंदर कोड होगा, फोटोज इन लर्निंग के अंदर खुलेगी, ठीक है। और अगर आपको नहीं लगाना आ रहा तो आप ईमेल कर देना फोटो के साथ बुक की या इनवॉइस की, तो मैं आपको प्रोसेस ही बता दूंगी और दे देंगी, ठीक है जी। अभी हम डिस्कस करेंगे, क्या जाया मत करो,
फिर बगाया क्यों था मेरे को मिनट के लिए। चलो पढ़ो अब। पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, हमारा कम्युनिकेशन का मेन पर्पस क्या होता है। हाँ जी मेरी भी दोनों की ठीक है। अभी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, यहां से भी समझ लेते हैं पहले, ये कर ले। देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब कम्युनिकेशन जो है उसका ऑब्जेक्टिव चेंज होता ही रहता है, एवर चेंजिंग होता है। ठीक है। सम ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन आर टू गेट और गिव इंफॉर्मेशन। इसका मेन मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन लेना या देना, टू आस्क फॉर और गिव इंस्ट्रक्शन और एडवाइस और सजेशंस। कभी कभी हम लोग कंप्लेन करने के लिए, वार्निंग देने के लिए, ठीक है, वही कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे इम्प्लॉइज जो है अपने बॉस को कंप्लेन कर सकता है, बॉस इम्प्लॉय को वार्निंग दे सकता है। इफ वी लर्न टू कंप्लेन एंड वॉर्न इन एक्सेप्टेबल एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर, अगर हम सीख जाएंगे कि हमें कैसे कंप्लेन करना है, तो उसको कहते हैं कला। ठीक है, कम्युनिकेशन इज आर्ट। तो क्या कम्युनिकेशन इनबॉर्न होता है, बचपन से ही हमें आ जाता है? कम्युनिकेशन इनबॉर्न नहीं होता, नो, बल्कि कम्युनिकेशन एक्चुअली आपको पढ़ाया जाता है। मतलब टाइम टू टाइम हम अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करते हैं कि हम ये बात करें तो करें कैसे। इतनी बड़ी ये कम्युनिकेशन की क्लास रख दी है, अगर ये इनबॉर्न होता तो ये अलग से चैप्टर बनाने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, ये इसलिए रखा गया है ताकि आपको पता चले सी हम कम्युनिकेशन करने कैसे चाहिए। तो इसका मेन पर्पस कैसा हो गया, परसुएड, दूसरों को साना, कन्विंस का, मनाना कि हमें ऐसे कम्युनिकेट करना चाहिए। ठीक है, टू सोशलाइज, एक दूसरे के साथ घुलने मिलने के लिए, फ्रेंड्स वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, इंस्ट्रक्ट का मतलब इंस्ट्रक्शन देना कि हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं, ऐसे ऐसे कीजिए, तो ये हो गया इंस्ट्रक्शंस। एंड टू एक्सप्लेन, समझाने के लिए। रिकाउंट वर्ड का मतलब है रिकॉल। रिकॉल का मतलब क्या होता है, रिवाइज, याद करने के लिए। ठीक है, रिकाउंट दोबारा से काउंट करना, रिकॉल रिवाइज करना, ये होता है रिकाउंट का मतलब। एंक्वायरी, आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो। एंटरटेन का मतलब किसी चीज को कंसिडर करना। एंटरटेन का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि हमारे घर में कोई नया गेस्ट आए तो हमने उनको क्या, हमने उनको वेलकम किया, एंटरटेन किया, मतलब वो हमने क्या किया, एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो दैट इज एंटरटेन। उनके साथ उनको एक तरीके से रिस्पेक्ट दी। ठीक है, जून में एग्जाम नहीं हुआ तो आप फिर से कोर्स लॉन्च करोगे। देखो मेरा कोर्स जो है, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आइटरेटिव वे में रहता है। आइटरेटिव का मतलब होता है, अगर जैसे मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 5, 6, 7, 8, 9, 10 यूनिट चल रही है, वैसे ये सीरियल वाइज नहीं चल रही कभी भी, मैं अपने हिसाब से आगे पीछे करती हूँ। फिर उसके बाद दोबारा से ये जो थी ऑलरेडी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर आ जाएगी, फिर ऐसे ऐसे करके आती रहेगी, समझे? हाँ जी, जैसे यस, मैथ्स रिपीट करा देना। हाँ वही आया, क्योंकि पहले यूनिट मैंने मैथ्स ही पकड़ी थी। ठीक है, नए कोर्स की फर्स्ट यूनिट मैथ थी, तो वही आएगा इस एंड के बाद। टू इन्फॉर्म, किसी को बताना, बोलना, उसको भी कहते हैं। ठीक है जी, भाई तब तक तो हो ही जाएगा, और ऑलरेडी फिर जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से चलो ना, जो क्लासेस ऑलरेडी पता चल रही है, अब जो ऑलरेडी हो चुकी है फिर तब तक उसको कवर करो। अगर दोबारा आ गई तो फिर उसका रिविजन लेना, उसको समझना कि आपने रिविज कर लिया है। ठीक है, अब ये पर्पस क्लियर हो गया सबको। मतलब टॉपिक अगर नॉर्मल चल रहा होता है, इजी सा चल रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं होता, उसमें डाउट चलने चाहिए, ये बात है। तो फिर मैं इजी टॉपिक ही स्किप कर, क्योंकि उसमें तो बातें करनी है, टॉपिक थोड़ी पढ़ना है। कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव, कम्युनिकेशन इफेक्ट क्या होता है, साइज मतलब शॉर्ट होना चाहिए एंड क्लियर होना चाहिए। कंसाइज मतलब छोटा, क्लियर मतलब क्लियरली हमें सबको समझ में आनी चाहिए, ऐसा। अरे सब सही चल रहा है कि नहीं, इज डिलीवर्ड वेल, रिसीव सक्सेसफुली एंड अंडरस्टैंड फुली, तो तभी उसको कहते हैं कि डिलीवर हो गया है सही तरीके से, अगर उसको सही से रिसीव किया हो या फिर उसको अच्छे से समझा हो सक्सेसफुली। ठीक है,
keep it short and simple. The process of communication has different component. हाँ ये क्या होता है, keep it short and simple. ठीक है, keep it short and simple का मतलब है किस जो है वो छोटा, ये concise and simple मतलब clear, simple चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ हो. अब सही आ रही है आवाज? हेलो आ रही है? इसका मतलब होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, समझे किस? हाँ तुम वही खाया करो. सो कम्युनिकेशन बिगिन विद एन इम्पल्स. कम्युनिकेशन में एक इम्पल्स होनी चाहिए, एक उत्सुकता होनी चाहिए कि हाँ वी आर एक्साइटेड फॉर द क्लास, इस तरीके से ना इम्पल्स होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए. प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग, यहाँ पर एनकोडिंग होती है, इनपुट डालते हैं हम, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, आउटपुट आता है, आउटपुट के बाद उसकी डिकोडिंग होती है और उसके बाद उसका फीडबैक आता है. ठीक है, किस एक कैनेडियन चॉकलेट बनाती है. अरे मेरे को एक बात बताओ, मैं चॉकलेट की क्लास ले रही हूँ कि कम्युनिकेशन की क्लास ले रही हूँ, है? सो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक पर्सन है, उसने इन सबको फोन किया, ठीक है, इसको भी फोन किया, इसको भी फोन किया, इसको भी फोन किया, और सेम बात बोली है. ठीक है, एक दिन चॉकलेट के नाम रख लेंगे क्लास में, है? तो इधर सुनोगे, अब इस पर्सन को देखो, ये स्माइल के बाद है, जबकि इस पर्सन ने कहा अरे ये क्या, वो उसको कुछ है. तो भाई यहाँ पर इसकी बात का ऐसे ऐसे रिएक्शन आ रहे हैं और ये खुद तो खुश हो रहा है, बल्कि बताओ कि यहाँ पर इसकी एनकोडिंग में प्रॉब्लम है या फिर इन लोगों की डीकोडिंग में प्रॉब्लम है. ठीक है, ये बताएं वेयर इज द प्रॉब्लम, एनकोडिंग और डीकोडिंग? पोरी दे दूं मैं? अच्छा, ये ए है, ये बी, सी में है एनकोडिंग एंड डिकोडिंग बोथ, एंड डी में है नन ऑफ अबव. ठीक है, अब पता चलेगा कि यहां प्रॉब्लम किस में है. हेमा, मांडवी, नासरीन एंड ऑल ने सही जवाब दिया है. कैसे यार, मैं एडुकेटर हूं, मैं बात नॉर्मल कर रही हूं और सारे बच्चे उसका उटपटांग मीनिंग निकाले, इसका मतलब एडुकेटर की बात कहनी नहीं आई उसको, समझे? ऐसे ही यहाँ पर एक पर्सन है, वो खुद तो खुश है लेकिन उसकी बात का मतलब सबने ही गलत निकाला है. तो प्रॉब्लम इसमें है, एनकोडिंग में, इसको ढंग से बोलना चाहिए था तभी तो वो वही मीनिंग निकालता, समझे? जबकि अगर बाय चांस इनमें मैं ये कहती कि मैं एज अ एडुकेटर हूँ और इस क्लास में इतने बच्चे हैं, मान लो उसमें से एक ही बच्चे को समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ठीक है, और बाकी सबको सही से समझ में आ गया है, ठीक, बाकी सब बच्चे टेढ़े मेढ़े पता नहीं क्यों बन रहे हैं बट समझ आ गया सबको, तो इसका मतलब इक्के दुक्के को अगर समझ नहीं आई है बात, तो भाई ये एडुकेटर की गलती नहीं है, ये इन दोनों की गलती है, इनका ध्यान नहीं होगा क्लास, समझे? ये इसकी गलती है, ये कर रहा है ऐसे वाला मुंह बनाया इसने. अगर ये सारे ही नहीं समझ पाए तो इसका मतलब एनकोडिंग में मिस्टेक है. अब आगे समझ, और वैसे किस, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ये किस में यूज होता है किस में यूज होता है, रिटन में या फिर ओरल में, वर्बल ओरल में, मेनली दिस इज रिटन का हिस्सा. ठीक है, उसका भी बोल दे दूं मैं, अच्छी बात है. तो ये कीप इट मतलब जैसे हम किसी को ईमेल करते हैं या लेटर लिखते हैं या फिर कोई चीज लिखते हैं, तो ये बेसिकली उसमें होता है कि सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए और छोटा होना चाहिए, नहीं कि आप 10 पेज का तो एप्लीकेशन ही लिख दो, उसमें से पता चल रही है एक ही बात लिखी हुई है 100 बार. ठीक है, क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे मेन ध्यान दिया जा रहा है. हाँ जी, अब हम देखेंगे सेंडर हैज एन आइडिया. सेंडर का क्या होता है, एक आइडिया होता है, वो आइडिया इनकोड करता है,
मैसेज को भेजता है, मैसेज रिसीवर को मिलता है, रिसीवर पहले एनकोड करता है, फिर रिसीवर को समझ में आती है और रिसीवर फिर मैसेज को भेजता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होना चाहिए, डिकोडिंग, डिकोडिंग पहले होनी चाहिए, रिसीवर बाद में ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा वैसे समझाने के लिए लिखा हुआ है। फीडबैक से क्या होता है, फीडबैक होता है कि कितना अच्छे से मैसेज दूसरों को समझ में आया है, ये पता चलता है फीडबैक से। इट इज गॉज ऑफ एफिशिएंसी इन द कम्युनिकेशन, कि वो कम्युनिकेशन कितना ज्यादा बढ़िया है, एफिशिएंट है। ठीक है, गॉज का मतलब, गॉज का मतलब असेस करना, असेस का मतलब जांच करना। ठीक है, इसे जांच की जाती है, प्रॉप करना। अच्छा जी, अभी जो कम्युनिकेशन है ना, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक है कि कुछ रिसर्चेस के हिसाब से कुछ रूल्स बने हुए हैं, रूल्स अबाउट बिहेवियर दैट मे नॉट बी क्लियरली आर्टिकुलेटेड बट अंडरस्टूड। मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली असलियत यही है, इसको समझते हैं। एवरीवन इज नॉट एन एक्सपर्ट कम्युनिकेशन में, हर एक पर्सन विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट नहीं होता टू एक्सप्लेन और डील विद ऑल सिचुएशन। मतलब अगर मैं आपको पढ़ा अच्छा सकती हूँ तो इट डजंट मीन कि मैं दुनिया के सारे काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। ठीक है, हर टाइप का कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाऊंगी, उसका मतलब कि कम्युनिकेशन में कोई भी 100% एक्सपर्ट नहीं होता है। देन कम्युनिकेशन विल नॉट सॉल्व एवरीथिंग, सिर्फ बातचीत कर लेने से सारी चीजें सॉल्व नहीं होती है, और नॉट यूनिवर्सल पैनेसिया, अदरवाइज देयर शुड नॉट बी एनी वार। अगर यहाँ पर यूनिवर्सल पैनेसिया, पैनेसिया का मतलब क्या होता है, पैनेसिया का मतलब दवाई, मेडिसिन। ठीक है, कि जैसे वो होता ना कि एक एड आती है लाख दुखों की एक दवा, तो जो कम्युनिकेशन है वो लाख दुखों की एक दवा नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो फिर हमारी किसी के साथ लड़ाई नहीं होती, वार नहीं होती, हम फिर क्या कर सकते थे, सिंपली बात करते, हमारी बात हो जाती, काम खत्म, सिंपल बात करते और लड़ाई खत्म हो जाती। ठीक है, हाँ, कम्युनिकेशन डज नॉट ब्रेक डाउन। एक्चुअली जब इंटरनेट नहीं, हाँ अभी हमें तो लगा ही नहीं था यूक्रेन रशिया की लड़ाई, मतलब कोई ऐसी लड़ाई बड़ी वाली होने वाली है इस युग में भी। ठीक है, हाँ जी, पर वो हो रही है, क्यों ना आजमाए। अच्छा, सो कम्युनिकेशन डज नॉट ब्रेक डाउन, कम्युनिकेशन हमेशा टूटता नहीं है या टूटता नहीं है। ठीक है, हाँ, कम्युनिकेशन सॉल्व नहीं हो पा रही, वेरी गुड। ठीक है जी, देख लो अपने बाप, होगा कहीं ना कहीं जरूर, कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन नहीं होता। अब आप कहोगे मैम बीच में नेटवर्क चला गया था। अरे भाई, नेटवर्क चला गया था लेकिन दोबारा रिकनेक्ट भी तो हो गया था ना। ठीक है, या नेटवर्क चला जाता है तो हम दोबारा किसी और तरीके से, फोन से या फिर दोबारा लिंक को जनरेट किया जा सकता है, कोई क्लास को रिस्केड्यूल किया जा सकता है, कोई इश्यूज को रिजोल्व किया जा सकता है। तो जब से ये इंटरनेट आया है ना, तब से ब्रेक डाउन वाली डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। इंटरनेट के आने से पहले था, जो होता है वो ब्रेक होता है, पहले था, अब रिसर्चर्स ने कहा है कि ये ब्रेक नहीं हुआ पूरी तरीके से। ठीक है, क्योंकि उसको दोबारा से ठीक किया जा सकता है, दोबारा से बातचीत की जा सकती है। ठीक है, कम्युनिकेशन पहले ब्रेक, तो उसके लिए एक वर्ड था एंट्रोपी, और जो एंट्रोपी का डिक्शनरीज में पहले ब्रेक डाउन ही था, बट अब क्या हुआ, अब तुम ना जान पूछ के मुझे एग्जांपल मत दो, अब मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ फिर। हाँ जी, एंट्रोपी का मतलब क्या हो गया, पहले था एंट्रोपी मतलब ब्रेक डाउन। ठीक है, लेकिन जो इंटरनेट आ गया, अब इस वजह से एंट्रोपी का मीनिंग ब्रेक डाउन से चेंज कर दिया गया बैरियर, जिसकी वजह से द वे आई वांट टू सेंड द मैसेज, ठीक है, मैसेज जैसे भेजना चाहती हूँ वो वैसे नहीं जाता,
वो किसी और तरीके से चला जाता है, उसमें बैरियर्स आ जाते हैं, समझे? तो ये जो नेटवर्क ब्रेक हो रहा है ये ब्रेक नहीं है, ये बैरियर्स है। उस बैरियर्स को अलग तरीके से या बार बार दोबारा से कनेक्ट करके किसी और तरीके से चेंज कर सकता है। अब समझ में आ गया? अब एंट्रोपी का मतलब ब्रेकडाउन भी नहीं है, इसका डिक्शनरीज में भी मीनिंग चेंज कर दिया गया है। और इसको तरीके से मैं मैसेज भेजना चाहता हूँ वैसे नहीं पहुंचता। नॉट एबल टू सेंड वे टू सेंड इन सिमिलर वे, ठीक है? तो वो है एंट्रोपी का मतलब, या फिर इंटेंडेड मैसेज वैसा नहीं जाता तो उसको बोलते हैं एंट्रोपी। तो देखो यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। व्हेन यू अवॉइड समवन, ठीक है, फॉर एग्जांपल यू आर एक्सप्रेसिंग देम दैट यू डोंट वांट टू टॉक, ऑफ कोर्स, ठीक है, जब जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक नहीं हो रहा, रादर वो चेंज हो रहा, ठीक है। या फिर अगर कनेक्शन वीक हो, फिर उसमें भी गर्लफ्रेंड का नाम हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर फिर क्या है। कम्युनिकेशन इज नॉट इनहेरेंटली गुड, यार मेरी तरफ से थोड़ी ना खराबी है। हेलो, आवाज सही आ रही है? हाँ ठीक है, अब सुनो। सो कम्युनिकेशन नॉट इनहेरेंटली गुड, कम्युनिकेशन हमेशा से हमारे अंदरूनी तरीके से अच्छा नहीं होता, ठीक है। हो सकता है कोई पर्सन दूसरे पर्सन का डिसएडवांटेज ले ले, मतलब एडवांटेज ले ले बिना बात पे, किसी को एडवांटेज ले ले, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कोई पर्सन आपको टॉफी दे रहा है या कोई बेनिफिट दे रहा है, तो इट डजेंट मीन कि वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, उसके पीछे उसका भी कोई ना कोई फायदा हुआ होगा, ठीक है। ऐसा सो इट मीन समवन मे बी टेकिंग एडवांटेज ऑफ समथिंग, कोई इसका हो सकता है कि हो गया एडवांटेज ले रहा हो। मोर कम्युनिकेशन इज नॉट ऑलवेज बेटर, जैसे छोटे बच्चे को देते हैं और फिर किडनैप कर लेते हैं, हाँ ऐसा। अच्छा, मोर कम्युनिकेशन इज नॉट ऑलवेज बेटर, वही मेरे को एक बार बताओ कि अगर मैं आपको कंटिन्यूअसली 10 घंटे की क्लास लू तो चलेगा? तो कहोगे नहीं मैम दिमाग से ऊपर हो जा रहा है, अब बस करो। तो ज्यादा कम्युनिकेशन ओवरलोड हो जाता है, समझे? ऐसा। सो इसका मतलब इट इज इट मे बी ओवरलोड, इसलिए ज्यादा कम्युनिकेशन अच्छी बात नहीं होती, नॉट बेटर। कोई लोग कहता है कि मैम ज्यादा कम्युनिकेशन अच्छी बात होती है, अरे ज्यादा कम्युनिकेशन अच्छी बात नहीं होती है, ऐसा। देन इट इज परवेसिव, कम्युनिकेशन हर लेवल पे चाहिए, हर स्टेज पे चाहिए, बिना कम्युनिकेशन के हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर एट ऑल लेवल, बिल्कुल। 2 घंटे हैं तो 10 घंटे में अटैक ही आ जाएगा। अच्छा, कहाँ हम सिर्फ 7% बोलते हैं हम सिर्फ 7% बोलते हैं, लेकिन आपको मेरी वीडियो भी क्यों चाहिए? आपको मेरी वीडियो इसलिए चाहिए कि मैम देख के जाए समझ में आता है, आप जो एक्सप्रेशन दे रहे हो, जो आप इशारे कर रहे हो, जो समझा रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब कि आप नॉन वर्बल के ऊपर भी ध्यान दे रहे हो, ऐसा। तो यहाँ से सारे पॉइंट क्लियर हो गए। इसका मतलब क्या निकला कि हर कोई पर्सन अपना एक्सपर्ट नहीं होता, ठीक है। अगर मैं एक्सपर्ट होती तो भी मेरी क्लास में अभी के अभी डाउट नहीं आने चाहिए थे, ठीक है जी। कहीं आने में कमी रह गई या सुनने में कमी रह गई तो वहां पे डाउट आ रहे हैं। देन कम्युनिकेशन नॉट सॉल्व एवरीथिंग, सारी लड़ाई अगर सॉल्व हो जाती, अगर कम्युनिकेशन से सब कुछ सॉल्व हो सकता था तो होता है। कम्युनिकेशन अंदर से सही नहीं होता, अच्छा होता है। कम्युनिकेशन हर जगह होता है। यारो दोस्ती इंटरनेट ले ली है, हाँ जी क्या हाल है आपके? अब क्या हुआ? अभी होगा सोम भी होगा, भांगड़ा भी होगा। अच्छा ठीक है, मैंने क्या बोला था? चलो सुनो, जूम करूं? जूम कहां से करूं मैं? उसके आगे क्या बोला था? उसके आगे बोला था मैंने बड़ी हसीन नहीं बोला था, लेकिन
मैं कहता यारो दोस्ती इंटरनेट ले गई है। अच्छा सुनो था वो मैम आज बैरियर आ रहे हैं, ये जबरदस्ती हमें यकीन दिला चाहता कि यहाँ पे बैरियर होते, लेकिन ना भाई ना बैरियर होते ही नहीं है। वर्डिंग जानबूझ के तो नहीं बोलता तुम, मैं गाना ये भी कोई डाउट, ये भी हो सकता है। आवाज आ रही है तो गाना ही क्यों सुनाई देता है, मतलब तुम्हें आवाज पढ़ाने वाली क्यों नहीं सुनाई देता। कोई बात नहीं, अरे ये जो पढ़ाया होता है तो कर लो, चक थोड़ी है ये, थोड़ा सा देता है उसमें माने ही कैच होता है ना, ऐसी बात है बस। पैसिव जो हर लेवल पे चाहिए होता है, एवरी लेवल पे, उसको कहते हैं परवेसिव। ठीक है, हाँ जी ये रिपीट कर दो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, बस आ रही होगी तभी तो बोलूंगी ना, यूजीसी की कसम स्टक हो गया, मैंने कब मना किया तभी तो रुकी हुई हूँ, अगर स्टक नहीं होता तो पढ़ा रही होती। आज बैरियर की क्लास होनी चाहिए थी, नहीं हुई, बैरियर अगली क्लास में आएगा, ये डेमो हो रहा है वका। ठीक है, अरे कि इसमें से कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया वो बता दो। पर वैसे का मतलब कि सर्वव्याप्त, हर जगह हर लेवल पे पर्सन को कम्युनिकेशन करना ही पड़ता है। आप कहो कि मैम हम एक कमरे में बंद हो जाएंगे, हम किसी से बात नहीं करेंगे, तो तुम्हें भूख लगेगी, खाना खाओगे, खाना किसी से तो लोगे, ठीक है, तो लोगे तो कम्युनिकेट तो ऑटोमेटिक हो गया। आप कहोगे चलो ठीक है मैम, मान लिया आप एक दिन पूरा अनशन और कम्युनिकेशन रख लो, लेकिन तब भी अपने दिमाग में, माइंड में अपने आप से इंट्रा कम्युनिकेशन कर सकते हो, ठीक है, अपने आप से बात कर सकते हो। उसको कहते हैं कि हर जगह चाहिए ही चाहिए ऐसा। बैरियर गलत क्लास में आ रहा है। हाँ, फिफ्थ पॉइंट क्या है भाई, एक दो तीन चार पाँच छह, मोर कम्युनिकेशन हमेशा ज्यादा होता है, बताओ। जब मैंने बहुत ज्यादा कम्युनिकेट किया, बहुत बार बार पढ़ा रही हूँ, पूरा दिन फुल डे पढ़ा रही हूँ, तो फिर वो ओवरलोड हो जाता है, ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, मोर कम्युनिकेशन इज नॉट बेटर। ठीक है, ओके, किसी और को नहीं, मैं नया नहीं पढ़ा रही, हम अब बहुत हो गया, किसी को कोई डिस्कशन करनी है तो कर लो, अगर सुनाई दे रहा है तो। नहीं तो ये पूछ लो उससे फिर। कम्युनिकेशन हमेशा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता, कई बार लोग अच्छा बनके अंदर से आपका फायदा उठाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं कम्युनिकेशन इज नॉट एंडली गुड, अंदरूनी तरीके से कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता है। थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन कर दो, ये पॉइंट हमने तुम्हारी मतलब एक भी पॉइंट समझ में आया तुम्हें, कम्युनिकेशन नॉट डाउन मतलब वो ब्रेक नहीं होता, बैरियर जरूर आते हैं लेकिन 100% कैंसिल नहीं होता, बिकॉज इंटरनेट की वजह से या टेलीफोन वगैरह इन टेक्नोलॉजी की वजह से दोबारा हम कनेक्ट कर लेते हैं। क्या का मतलब होता है, जैसे कि मेडिसिन वगैरह होता है ना, कि लाख दुखों की एक दवा नहीं है कम्युनिकेशन। मैं कहूँ मैं बात करूँ मामला सुलझ जाएगा, नहीं सुलझता है, जैसे यूक्रेन और रशिया का नहीं सुलझ रहा ना सिर्फ बात करके, तो मतलब ऐसा नहीं होता, आज तक हमारा और पाकिस्तान का नहीं सुलझा, ठीक है, कभी ना कभी कोई ना कोई इश्यूज आ जाते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ पॉइंट्स में अभी भी प्रॉब्लम है, ठीक है, ऐसा मुझे नहीं लगता होगा, क्या नहीं लगता होगा, अच्छा मामला सुलझेगा, ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट फॉर योर जेआरएफ। क्या क्लियर टेबल, क्लियर टेबल तो होता है वो, कम्युनिकेशन से पहले से बोला था मैंने, अरे मिट्टी की टैबलेट, मिट्टी का बस के ऊपर नकाशी होती है ना, एसिडिटी से। ओके फाइनली थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।